तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि टीचिंग क्या है, यानी कि शिक्षण क्या है। इसको हम बेसिक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, टीचिंग के अंदर जो सबसे पहली बात आती है वो ये है दोस्तों, शिक्षण पूर्णतः एक सामाजिक प्रक्रिया है, यानी कि टीचिंग जो है वो एक सोशल एक्टिविटी है। अब देखिए ये किस तरीके से है कि हम जो टीचिंग है वो कहीं से भी कैसे भी किसी भी तरीके से सीख सकते हैं। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हम किसी स्कूल में जाएँ तभी हम सीखेंगे, क्लास लगाएँ तभी हम सीखेंगे। जैसे कि हमने देखा है कि एक छोटा सा बच्चा है वो भी अपने समाज से सीखता है, अपने परिवार से सीखता है, जब वो खेलता है, आता जाता है, तो वो बहुत कुछ चीज़ें सीखता है। और अब देखिए, जैसे हमने देखा होगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने वो कभी ज़्यादा स्कूल में नहीं गए, लेकिन उन लोगों को हमसे ज़्यादा ज्ञान होता है क्योंकि वो समाज के अंदर रहे हैं और वहाँ से उन्होंने टीचिंग ली है, यानी कि अपने आप उन्होंने सीखा है समाज को देख देख के। तो जो टीचिंग है, टीचिंग कहीं भी कैसे भी किसी भी तरह से हो सकती है। और अब देखिए, हम वर्तमान की बात करें, प्रेजेंट टाइम की बात करें, तो वर्तमान में शिक्षण को त्रिध्रुवीय संरचना के रूप में स्वीकार किया गया है। अब देखिए, अब यहाँ पे टीचिंग को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे मैंने एक चीज़ तो बताई कि आपको हम कहीं भी कैसे भी सीख सकते हैं, और दूसरा जो हम सीखते हैं वो कैसे सीखते हैं दोस्तों, वो हम एक टीचर के थ्रू सीखते हैं। अब देखिए, अगर हम समाज में सीख रहे हैं, ठीक है, समाज में तो क्या है कि हम हो सकता है कि एक चीज़ है वो हो सकता है एक साल के अंदर जाके सीखे, यानी कि जब हम उसको एक्सपीरियंस करें तब जाके उसको हम सीखें। लेकिन दूसरा क्या है कि हम एक क्लास के अंदर जाएंगे, वहाँ पर हमें टीचर बताएगा तो हम जल्दी सीख जाएंगे। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं, उससे आप बिल्कुल आसानी से समझ जाओगे। अब देखिए, अब यहीं पे एक एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं, हम रिसर्च का एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं। मैंने आपको रिसर्च करवाई, 10 दिन रिसर्च करवाई, तो उसमें आपको पता चल गया, पूरी की पूरी जो रिसर्च है वो आपको पता चल गई क्योंकि मैंने आपको टीच किया, एक टीचर के तरह मैंने आपको टीच किया, तो वो आपको पता चल गई। और दूसरे तरीके से अगर आप वो अपने आप सीखने की कोशिश करते तो हो सकता है आप 50 वीडियो देखते, पता नहीं कितनी वीडियो देखते, हो सकता है वो चीज़ आपको 5 दिन में भी आ सकती थी और वो आपको 50 दिन में भी आ सकती थी, उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं थी। लेकिन जब एक टीचर सिखाता है दोस्तों, तो उसके अंदर क्या होता है कि एक सिस्टम होता है, एक टाइम लिमिट होती है और उसमें एक तरीका होता है सीखने का। तो एक्चुअल मायने में देखा जाए तो टीचिंग इसे कहते हैं, यानी कि सिस्टमेटिक ढंग से जो हमें कुछ सिखाए, कोई नई चीज़ें सिखाए या हमें इम्प्रूवमेंट करे, तो उसे हम क्या कहते हैं, टीचिंग कहते हैं। और टीचिंग के अंदर मुख्य रूप से क्या होता है दोस्तों, ये त्रिध्रुवीय माना जाता है और इसके अंदर 3 बातें मुख्य रूप से आती है। एक होता है शिक्षक भी आ सकता है, यानी कि जो हमें सिखा रहा है, यानी कि टीचर सबसे पहले आएगा, टीचर यानी कि जिससे हम सीख रहे हैं। अब टीचर ये नहीं है कि कोई आदमी हो, इसके अंदर कुछ और चीज़ें भी हो सकती है, जैसे कि कंप्यूटर में रिकॉर्डेड वीडियो है या कुछ और चीज़ें हैं। यानी कि सबसे पहली चीज़ है कि जो शिक्षण है, यानी कि जिससे हम सीख रहे हैं। दूसरा है शिक्षार्थी, यानी कि जो बंदा सीख रहा है वो हो गया। तीसरा आता है पाठ्यक्रम, सिखाने के प्रयास किए जाते हैं। यानी कि तीसरा चीज़ क्या है कि दोस्तों, हमारे पास जो पाठ्यक्रम है, जो हमारे पास स्टडी मटेरियल है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल करता है। तो इसमें से एक क्वेश्चन पहले आया है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और इसके अंदर और भी काफ़ी तरह की चीज़ें हैं, जैसे कि हम देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण सबसे प्रमुख है। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण शब्द शिक्षा से बना, जिसका अर्थ है शिक्षा प्रदान करना। तो यहाँ से दोस्तों आप बेसिक चीज़ें पढ़ सकते हैं, यहाँ पे हमने बताई है इंग्लिश और हिंदी में, दोनों में बताई है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। अब एक चीज़ आती है दोस्तों कि डेफिनेशन ऑफ टीचिंग। अब देखिए, परिभाषा, टीचिंग की परिभाषा क्या है, इसमें से एक दो बार क्वेश्चन आए हैं, तो ये आपको देखना ज़रूरी है। ये हमने इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया है, यहाँ पे हमने इंग्लिश में दिया है और ऊपर हमने हिंदी में दिया है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि वर्ल्ड बुक ऑफ इंसाइक्लोपीडिया के अनुसार, इसके अनुसार क्या है, शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान कौशल तथा अभिरुचियों को सिखाने या प्राप्त करने में सहायता करता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि एक बंदा दूसरे बंदे को ज्ञान कौशल और अभिरुचियों को या तो सिखाता है या फिर दूसरे से सीखता है, आदान प्रदान करता है। अब अगली परिभाषा आती है दोस्तों हमारे पास एडमंड एमिडोन की। इनके अनुसार क्या है, शिक्षण एक अंत प्रक्रिया जिसमें मुख्यतः कक्षा वार्ता होती है
और क्या होता है, जो शिक्षक एवं छात्रों के मध्य परिभाषित की जा सकने वाली क्रियाओं के माध्यम से घटित होती है। अब देखिए, इसे हम सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि टीचिंग एक्चुअल मायने में क्या है। टीचिंग वो है जिसके अंदर हम किसी क्लास के अंदर बैठ के कोई एक सिस्टमेटिक ढंग से, अच्छे ढंग से हमें सिखा रहा है, तो वो क्या है, वो एक टीचिंग है। यही चीज़ इन्होंने कही है। तो ये जो परिभाषा है दोस्तों, आप देख लेना, क्योंकि इनमें से कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। और एक चीज़ दोस्तों, थोड़ा सा ये पीडीएफ कन्वर्ट करने में थोड़ी दिक्कत, पता नहीं कैसे होगी, ये जो लाइन है यहाँ आगे। चलो हम अपने कंटेंट पे ध्यान देते हैं कि शिक्षण, अब देखिए, गेज के अनुसार शिक्षण एक प्रक्रिया का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य है दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना। यानी कि शिक्षण के अंदर हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं ना, हम जिसको सिखा रहे हैं तो उसके व्यवहार में कुछ परिवर्तन आए, यानी कि उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो। तो ये सारी चीज़ें होती है। और भी यहाँ पे दो और ये दी हुई है दोस्तों परिभाषा, ये दोनों आप पढ़ सकते हैं, आप पढ़ लेना। और यहाँ पे हमने इंग्लिश में भी दिया, अगर कोई बात हिंदी में समझ में ना आए तो। अब बात आती है दोस्तों शिक्षण की विशेषताएं। अब देखिए, इसमें से भी क्वेश्चन आए हैं कि शिक्षण की विशेषताएं क्या होती है। अब देखिए, इसमें देखते हैं, शिक्षण बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। अभी जो हमने बात कही कि जो बच्चा है उसमें हम इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं, उसे कुछ बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, यानी कि हमारा जो टीचिंग है उसका एक उद्देश्य होता है, उसका एक एम होता है कि हमें क्या सिखाना है। ऐसे नहीं है कि मन में आया वही पढ़ा दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। शिक्षण सामाजिक एवं व्यावसायिक प्रक्रिया, शिक्षण जो है वो सोशली भी है और व्यावसायिक, यानी कि जिससे हम कुछ अपना रोजगार उत्पन्न कर सकते, वो भी है। शिक्षण के अंदर दोनों तरह की चीज़ें आती है। शिक्षण विकासात्मक प्रक्रिया है, शिक्षण से क्या है कि हमारा विकास होता है, हमारे सोचने समझने की जो शक्ति है वो बढ़ती है। शिक्षण एक तार्किक प्रक्रिया है। अब देखिए, शिक्षण जब हम करते हैं तो हमारे अंदर काफ़ी तर्क वितर्क होते हैं, यानी कि आर्ग्यूमेंट होते हैं कि ये चीज़ ऐसे है तो ऐसे क्यों है, वो वैसे क्यों नहीं है। इस तरीके से हम आर्ग्यूमेंट करते हैं, आर्ग्यूमेंट करने की जो हमारी संभावना है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। शिक्षण आमने सामने की प्रक्रिया है। अब देखिए, ये थोड़ा सा ओल्ड बात इन्होंने थोड़ी सी कह दी कि शिक्षण आमने सामने की प्रक्रिया पहले होता था, लेकिन आज के टाइम में हम जैसे कि मोबाइल से पढ़ सकते हैं। आप जैसे अब मोबाइल से पढ़ रहे हो तो मैं आपके सामने नहीं हूँ, मैं मेरा दूसरा काम कर रहा हूँ। तो ये पहले की परिभाषा हम कह सकते हैं, पहले का गुण। शिक्षण प्रेरणात्मक प्रक्रिया है, शिक्षण हमें प्रेरणा देती है आगे बढ़ने की। शिक्षण एक कुशल निर्देशन है, शिक्षण हमें अच्छे तरीके से डायरेक्शन देता है कि हमें अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए। शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया है। अब देखिए, शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। शिक्षण औपचारिक अनौपचारिक प्रक्रिया है। अब देखिए, औपचारिक और अनौपचारिक मैंने आपको बताया था कि इनफॉर्मल और फॉर्मल क्या होती है। फॉर्मल के अंदर क्या होता है कि जिसके अंदर हम अच्छे से कम्युनिकेट करें, और इनफॉर्मल ये होते हैं कि जिसमें हम अच्छे से कम्युनिकेट ना करें। तो ये दोनों तरह की प्रक्रिया होती है। क्योंकि अब देखिए, जैसे कि मान के चलिए मैं आपको अभी यूट्यूब के जरिए पढ़ा रहा हूँ, तो हो सकता है कई स्टूडेंट ये 1 मिनट की वीडियो देख के चला जाए, यानी कि अनौपचारिक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करे, और दूसरे है कि वो हो सकता है वो कमेंट भी करे, अच्छे से पढ़े भी, सारी चीज़ करे, तो वो होगी फॉर्मल। तो इस तरीके से हम इसे कह सकते हैं। अब आगे आती है दोस्तों टीचिंग अवधारणा, या फिर शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। अब इसके अंदर क्या होता है कि एडमस महोदय के अनुसार शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया माना है जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दो व्यक्ति सम्मिलित है। अब देखिए दोस्तों, अभी हमने पढ़ा कि शिक्षण है वो त्रिमुखी प्रक्रिया है और इन्होंने द्विमुखी प्रक्रिया बताई है। तो हर जो थिंकर है उसकी अलग अलग डेफिनेशन हम कह सकते हैं, उनके सोचने का तरीका अलग अलग हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, शिक्षण कहाँ कहाँ से प्रभावित होता है, कैसे कैसे प्रभावित होता है, इसमें देखते हैं। व्यक्तिगत भिन्नताएं, अब देखिए, अब क्लास के अंदर बच्चे सभी तरह के होते हैं। बच्चे, एक बच्चा कमज़ोर हो सकता है, एक बच्चा बहुत इंटेलिजेंट हो, जिसको थोड़ा सा बताए वो बहुत कुछ सीख जाए, और दूसरा बच्चा जल्दी से ना सीखे। तो ये होगी व्यक्तिगत भिन्नताएं। शिक्षण उद्देश्य, हमारा शिक्षण उद्देश्य भी होता है कि हमें क्लास में इन 10 बच्चों पे ज़्यादा फोकस करना है, ये भी हो सकता है। हमारा उद्देश्य क्या है उससे भी
नियोजित कार्य, नियोजित कार्य कि हम ये भी हो सकता है कि हमें किस तरीके से पढ़ाना है। अब देखिए, जैसे कि हम मान के चलते कि मैं कहूँ कि मेरी 2 दिन में एक वीडियो आएगी, तो वो क्या होगी, उससे हमारी जो टीचिंग है वो स्लो हो जाएगी। और वातावरण का प्रभाव, अब वातावरण का भी बहुत प्रभाव होता है। अगर हम टीचिंग कर रहे हैं और साइड में बहुत शोर आ रहा है ट्रैफिक का और काफ़ी तरह का, तो काफ़ी डिस्टरबेंस होगी, अच्छे से टीचिंग नहीं होगी। शिक्षण की कुशलता, जो हमारा शिक्षक है जो हमें पढ़ा रहा है उसमें कितनी योग्यता है वो होगी। सहायक सामग्री का उपयोग, यानी कि जो टीचिंग, यानी कि जो हम पढ़ाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, टीचिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, वो कितना अच्छा है, उस पे भी हमारी टीचिंग डिपेंड करती है। अब देखिए, शिक्षण के सिद्धांत क्या हैं। शिक्षण के सिद्धांत, काफ़ी तरह के सिद्धांत हैं दोस्तों, इनके बारे में हम ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, बस थोड़ा पढ़ेंगे क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। अब देखिए, शिक्षण जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत, जो हमारा शिक्षण है वो हमारे जीवन से संबंधित होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो हमारे ज़िंदगी में आगे काम आए। उद्देश्य निर्धारण का सिद्धांत, यानी कि जिससे हमारा कुछ उद्देश्य पूरा होता हो, ऐसी हमारी टीचिंग होनी चाहिए। क्रियाशीलता का सिद्धांत, यानी कि जिससे हम आगे बढ़ सके, आगे काम कर सके, क्रियान्वित रहे, यानी कि क्रिएटिव रहे, ये हम कह सकते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, और इसके अंदर क्या होता है कि हम किसी हम और लोगों से कुछ अलग बन सके, यानी कि जो लोग सीख नहीं रहे हैं उनसे ज़्यादा हमारे अंदर एडवांटेज आए। तो ये काफ़ी तरह की यहाँ पे सिद्धांत दिए दोस्तों, ये आप आसानी से पढ़ सकते हैं। इनमें अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और आगे देखते हैं दोस्तों, एक इसमें से क्वेश्चन आता है दोस्तों, शिक्षण सूत्र में से क्वेश्चन आता है, एक दो बार क्वेश्चन आया है कि इसका क्या होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर और सरल से कठिन की ओर। अब देखिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर, अब देखिए हमें कोई चीज़ पता है, एक छोटी सी चीज़ पता है, और उस चीज़ क्यों इस्तेमाल करके हम बड़ी चीज़ निकाल के लेके आए। अब हम सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं कि जैसे न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स था, ठीक है, उसके अनुसार उसको वो एक छोटी सी चीज़ पता थी, उसके बाद हमने हवाई जहाज़ उड़ाया, ठीक है, यानी कि जो चीज़ हमें थोड़ी सी पता है और उसके बेस पे हम बड़ी चीज़ खोजे तो उसे हम कहते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर। फिर है सरल से कठिन की ओर, अगर हम कोई काम सरल तरीके से कर रहे हैं और कोई दूसरा काम है वो बहुत ज़्यादा कठिन हो रहा है, तो उसको हम किस तरीके से आसान बना सकते हैं, तो ये है। प्रत्यक्ष से प्रोक्ष की ओर, अब देखिए प्रत्यक्ष और प्रोक्ष क्या होता है। प्रत्यक्ष होता है जो हमारे सामने बिल्कुल अच्छे से दिखे, यानी कि जो सच होता है ना, सच से असत्य की ओर हम ये चीज़ कह सकते हैं। संपूर्ण से अंश की ओर, यानी कि जो चीज़ हमें एक बड़ी चीज़ पता है, ठीक है, कि हवाई जहाज़ उड़ता है, तो उस हवाई जहाज़ में क्या क्या सिद्धांत लगे हैं, किस तरीके से उड़ता है, और उनके सिद्धांतों को यूज़ करके हम और अपने ज़िंदगी में क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या और नई डिवाइस बना सकते हैं, तो वो होता है दोस्तों। और भी इसमें कई चीज़ें हैं दोस्तों, ये आप पढ़ सकते हैं, जैसे स्थूल से सूक्ष्म की ओर, अनुभव से तर्क की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, तो ये चीज़ें भी पूछी जाती है। और अब आगे आता है दोस्तों हमारे पास शिक्षण उद्देश्य, यानी कि हमारा जो हम टीचिंग कर रहे हैं उसका एम क्या होना चाहिए, ठीक है, वो हम देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया है, हम इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करते हैं। टीचिंग टू ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट, अब ये बात हमने कितनी बार पढ़ ली दोस्तों, कि हम टीचिंग का मेन उद्देश्य क्या होता है, कि जो स्टूडेंट है उसके बिहेवियर में चेंज लेके आना। और ये जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये कम से कम 3 बार आज तक आ चुका है कि शिक्षण का उद्देश्य क्या है। इसका सबसे मेन उद्देश्य है जो हम जिसे हम सिखा रहे हैं उसके व्यवहार में परिवर्तन आए, पॉजिटिव परिवर्तन आए, ठीक है। और ये है अगला हमारा, टू इम्प्रूव द लर्निंग स्किल ऑफ स्टूडेंट, अब जो उसने जो आज तक पढ़ा है उसमें किस तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं, वो है। आगे है ट्रेनिंग, शार्पिंग बिहेवियर एंड कंडक्ट, अब देखिए जैसे हमारी ITI वगैरह होते हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं कि प्रैक्टिकली कुछ करके दिखाते हैं उनको, व्यावसायिक तरीके से हम चीज़ें बनाना सिखाते हैं, मोटर गाड़ी वगैरह ठीक करना सिखाते हैं, तो उनकी जो बिहेवियर है उनको बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, उनके अंदर काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करते हैं। एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान को प्राप्त करने की हम उनके अंदर आदत डालते हैं कि किस तरीके से ज्ञान को प्राप्त किया जाए। और फॉर्मेशन ऑफ बिलीव,
अब देखिए, शिक्षण के द्वारा, टीचिंग के द्वारा हम विश्वास जगाने की बात करते हैं। अब देखिए, जो पहले जो होता था हमारे, क्या होता था कि कोई भी जैसे बीमारी हो गई, कुछ भी हो गया, तो लोग सोचते थे कि इसमें तो भूत घुस गया है, इसमें तो ये हो गया, माता आ गई, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन उस टाइम लोग ये नहीं मानते थे कि ये एक बीमारी है। लेकिन आज के टाइम में जैसे जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं, तो हमारा जो अंधविश्वास है वो ख़त्म होता जा रहा है, और जो साइंस है उसके अंदर हमारा विश्वास बढ़ रहा है। तो इस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ, यानी कि हमारा जो विश्वास है वो बढ़ता जा रहा है टीचिंग के जरिए। दोस्तों, हमने पहले की वीडियो में शिक्षण उद्देश्यों के बारे में थोड़ा सा जिक्र किया था, आज हम इसके बारे में बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, बीएस ब्लूम टैक्सोनॉमी ने इसके बारे में क्या कहा था, शिक्षण उद्देश्यों के बारे में। इन्होंने शिक्षण उद्देश्यों को वर्गीकृत करने की कोशिश की थी, इसको डिवाइड करने की कोशिश की थी कि हमारे जो शिक्षण उद्देश्य हैं हम उसको किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए, शिक्षा के अंतर्गत सीखने के उद्देश्यों के वर्गीकरण से संबंधित है, यानी कि जो बीएस ब्लूम टैक्सोनॉमी है वो किससे संबंधित है, शिक्षण उद्देश्यों को डिवाइड करने से संबंधित है। और यह नाम बेंजामिन ब्लूम के नाम पर रखा गया है, जो उक्त वर्गीकरण सुझाने वाली समिति के अध्यक्ष थे। और ये कब रखा गया था, ब्लूम टैक्सोनॉमी 1956 में बनाया गया था, और इसके निर्माता महान शैक्षिक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम हैं। इनका उद्देश्य क्या था दोस्तों, इनका उद्देश्य क्या था, टैक्सोनॉमी का मतलब है वर्गीकरण, यानी कि टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना, वर्गीकृत करना। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी शिक्षा को सीखने के रूपों 17 के वर्गीकरण का एक प्रयास है। अब देखिए, यहाँ पे शायद आपको समझ में ना आ सके, लेकिन हम आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे कि टैक्सोनॉमी ने क्या किया था, शिक्षण जो उद्देश्य है उसको 3 भागों में बांटने की कोशिश की थी। इन्होंने क्या किया था कि इनका वर्गीकरण 3 भागों में किया, शिक्षा का जो वर्गीकरण है उसको 3 भागों में डिवाइड किया, कोग्नेटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। अब देखिए, अब ये तीनों डोमेन क्या, डोमेन के बारे में हम पढ़ेंगे, समझेंगे कि इन्होंने किस तरीके से डिवाइड किया था शिक्षा को। अब सबसे पहला जो चीज़ आती है, सबसे पहली जो डोमेन आती है वो ज्ञानात्मक क्षेत्र, यानी कि कॉग्निटिव डोमेन आती है। इसके अंदर इन्होंने क्या कहा था, ज्ञान यह मुख्य रूप से किसी भी चीज़ या बात को याद रखने से संबंधित होता है। अब देखिए, हमारी जो शिक्षा है वो 3 तरह से डिवाइड किए इन्होंने। सबसे पहली जो है वो ज्ञान क्षेत्र, यानी कि जो भी शिक्षा होती है सबसे पहले हम शिक्षा से क्या करते हैं, हम नॉलेज लेते हैं, ज्ञान, अपने ज्ञान को इनक्रीज करते हैं। और उसके बाद में बोध, इस लेवल पे व्यक्ति किसी भी बात अर्थ समझने की कोशिश करता है, ठीक है। और उसके बाद में प्रयोग, यह लेवल किसी भी ज्ञान को मूर्त रूप यानी कि व्यवहारिक रूप से प्रयोग करने की कोशिश करता है इसके अंदर। और फिर आता है विश्लेषण, यहाँ पे व्यक्ति अपने ज्ञान का विश्लेषण करता है, यानी कि एक एक बात को बारीकी से समझने की कोशिश करता है, उसको उसका यानी कि पूरा एनालिसिस करता है उस बात का। और आगे आता है संश्लेषण। अब संश्लेषण में क्या होता है, इस स्तर पे व्यक्ति अपनी सभी बातों और ज्ञान को इकट्ठा करके अपनी एक राय या विचार बनाने की कोशिश करता है। इसका हम विश्लेषण के विपरीत भी समझ सकते हैं, यानी कि उसने जो भी नॉलेज इकट्ठी की है उसके हर एक पॉइंट को जोड़ता है और वो कुछ राय विचारधारा बनाने की कोशिश करता है। फिर आता है मूल्यांकन, इस सत्र पे व्यक्ति अपने ज्ञान और तौर तरीकों का मूल्यांकन करने की कोशिश करता है। अब देखिए, यहाँ पे जो पहली जो डोमेन है उसके अंदर क्या है कि वो ज्ञान, यानी कि ज्ञान हासिल करता है, और ज्ञान के अंदर काफ़ी तरह की चीज़ें आती है, किस किस तरह से वो ज्ञान हासिल करता है, तो वो यहाँ पे सभी दी हुई है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आता है हमारे पास अफेक्टिव डोमेन, यानी कि भावात्मक क्षेत्र। इसके अंदर क्या होता है, ये देखिए, आग्रहण सबसे पहले, रिसीविंग, इसमें व्यक्ति सबसे पहले सुनने या समझने की भावना रखता है। अब देखिए, क्लास के अंदर काफ़ी बच्चे बैठे होते हैं, तो उसके अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि सभी के सभी बच्चे ध्यान से सुने, ठीक है। और हो सकता है कोई खेल रहा हो और कोई बच्चा पूरे ध्यान से उस लेसन को सुन रहा हो, टीचर को सुन रहा हो, तो इसके अंदर क्या होता है, भावात्मक क्षेत्र, इसमें व्यक्ति सबसे पहले सुनने या समझने की भावना रखता है, फीलिंग रखता है। और फिर है अनुक्रिया, रिस्पॉन्स, जो ज्ञान व्यक्ति ने पाया है उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, ठीक
ठीक है। अब जैसे हमने पहले बात की थी ज्ञानात्मक क्षेत्र, ज्ञान के अंदर केवल ज्ञान वो हासिल करता है, और यहाँ पे क्या करता है कि जो उसने ज्ञान हासिल किया है उसको रिस्पॉन्स करता है। जैसे टीचर ने कुछ बात कही है तो उसके मन में कोई सवाल आया तो वो जवाब सवाल पूछेगा, उनसे क्वेश्चन करेगा, यानी कि उनको रिस्पॉन्ड करेगा। उसके बाद आता है अनुमूल्यन, वैल्यूइंग। इसके अंदर व्यक्ति देखता है कि जो ज्ञान उसने पाया है वो कितना लाभदायक है, उसके जीवन में क्या महत्व है, यानी कि उसका उसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करता है। उसके बाद आता है प्रतिकरण, कॉन्सेप्चुलाइजेशन, यानी कि उसको अपने कॉन्सेप्चुलाइजेशन का, अब इसका सही से मीनिंग मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा है, प्रत्यकरण का मतलब भी कुछ कुछ ऐसा होता है कि उसको यूज़ करने की कोशिश करता है। और फिर है गठन व्यवस्थापना, यानी कि जो उसने ज्ञान हासिल किया है और जो उसने यहाँ पे परख के देखा है, उसका मूल्यांकन किया है, उसको उसकी वैल्यू निकाल के देखी है, तो उसका वो क्या करता है कि गठन करता है, वो अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता है। फिर चरित्र निर्माण, अब ये भी वही बात आ गई कि जो ज्ञान उसने हासिल किया उससे उसका चरित्र निर्माण होगा, वैसा ही उसका व्यवहार बनेगा। इंडियाज़ नंबर वन स्टडी ऐप NTA UGC नेट यानी निमिजी नेट, फ्री स्टडी नोट्स और वीडियोज, ओल्ड पेपर विद आंसर की, ऑनलाइन मॉक टेस्ट फॉर पेपर फर्स्ट एंड सेकंड, न्यू अपडेटेड सिलेबस फॉर पेपर फर्स्ट एंड सेकंड, डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। और आगे आते हैं दोस्तों, आगे है हमारा क्रियात्मक क्षेत्र। अब देखिए क्रियात्मक क्षेत्र में क्या होता है, साइकोमोटर डोमेन, इसमें क्या होता है, इसको मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र मनोप्रेरक नामों से भी जाना जाता है। ये देखिए हिंदी में ऐसे ऐसे नाम होते जो हमें कंफ्यूज कर सकते, तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में पता होना ज़रूरी है, एट लीस्ट आपको इंग्लिश में तो पता होना ही होना चाहिए। अब देखिए अगर मान के चलो पेपर के अंदर ये नाम आ गया तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, पता नहीं ये क्या कौन सी डोमेन है, तो आपको इंग्लिश में पता होना ज़रूरी है। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, उद्दीपन, इम्प्लुएशन, इसमें किसी व्यक्ति के कौशल को देखकर अपने आप में डालने का प्रयास किया जाता है, ठीक है, यानी कि किसी को देख के प्रेरित होना, तो और उससे प्रेरित होके अपने अंदर चेंज लेके आना, अपने अंदर वो चीज़ सीखने की कोशिश करना। कार्य करना, हस्त कौशल, यानी किसी उपकरण या मशीन के द्वारा प्रयोग कर अपने आप में आत्मविश्वास बढ़ाना। उसके बाद आता है परिशुद्धता, इसके अंदर क्या होता है, इसमें जब कोई व्यक्ति एक ही काम को बार बार करता है तो उसमें वो महानता हासिल कर लेता है। और फिर है स्पष्ट अभिव्यक्ति, यह भी व्यक्ति के निरंतर अभ्यास पर निर्भर करती है, यानी कि जब वो कोई बात बार 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 सुनेगा करेगा तो उसके बारे में एक उसकी स्पष्ट राय बन जाएगी भाई ये काम करने से ये होता है, ठीक है। और फिर आता है नेचुरलाइजेशन, इसमें काफ़ी तरह की बातें आती है, जैसे कि व्यक्ति अपने कौशल को अच्छे से पहचानने की कोशिश करता है, अपने काम में सुधार करता है, नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो यानी कि ये जो हमारी तीन तरह की चीज़ें थी, तीन डोमेन थी, तो शायद मेरे को लगता है कि आप अच्छे से समझने की कोशिश की होगी और मैंने भी अच्छे से समझाने की कोशिश की है आपको। फिर भी अगर आपका कोई भी किसी भी तरह का कोई सवाल जवाब है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और आगे हम देखते हैं दोस्तों, एक और हमारी चीज़ बचती है, इनके अलावा एंडरसन और करतवल ने एक और विशेष आयाम का जिक्र किया है, मेटा कॉग्निटिव। अब देखिए दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसमें से पहले करीब दो बार क्वेश्चन आ चुके, अब की बार भी आने की संभावना है, किसी भी शिफ्ट में आ सकता है। इसमें देखिए, इसको एंडरसन ने ज्ञान का ज्ञान कह के संबोधित किया है, यानी कि हम ज्ञान को प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, हम ज्ञान की प्राप्ति किस तरीके से कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मेटा कॉग्निटिव कहते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। अब अगला आता है दोस्तों हमारे पास शिक्षण के स्तर, यानी कि लेवल ऑफ टीचिंग। अब देखिए मुख्य रूप से लेवल ऑफ टीचिंग तीन तरह के होते हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। अब देखिए इसमें से भी क्वेश्चन आने की संभावना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी हम समझने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहला आता है हमारे पास स्मृति लेवल, यानी कि मेमोरी लेवल, यह शिक्षण अधिगम का सबसे पहला चरण है, इसके बारे में सबसे पहले हर्बर्ट ने बताया था, ये हमारा कौन सा सबसे पहला लेवल है, ये आपको ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है। यह स्तर किसी भी ज्ञान को अभ्यास करने और उसे कंठस्थ करने के लिए प्रेरित करना है, कंठस्थ मतलब यानी कि उसे याद करने के लिए प्रेरित करता है। मूल्यांकन प्रणाली में इस स्तर पर विशेष रूप से लिखित, मौखिक और निबंध प्रश्नों को शामिल किया जाता है। और फिर आता है स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल के अंदर
इसके मुख्य लक्षण क्या है, कि मुख्य लक्षण ये है कि इस दौरान बच्चे में कुछ भी सीखने की तीव्रता होती है और जो उसने सीखा है उसको लंबे समय तक याद रखने की कोशिश करता है, ज़रूरी बातों को बार बार दोहराता इत्यादि शामिल होता है। मेमोरी लेवल यानी कि जिसके अंदर हम अपने मेमोरी का यूज़ करें, उसको याद करने की कोशिश करें, उसे लंबे समय तक याद रखने की कोशिश करें, तो वो होता है मेमोरी लेवल। और इसमें और भी काफ़ी तरह की, जैसे ये बातें मैंने बताई, आप थोड़ा ध्यान से देख लेना, क्योंकि इन्हीं में से जो एग्ज़ामिनर है वो घुमा फिरा के क्वेश्चन दे देता है। अब आगे देखते दोस्तों, आगे आता है हमारे पास ग्रहण यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि समझ वाला लेवल। इस लेवल पर बच्चा प्राप्त ज्ञान को अच्छे से समझने की कोशिश करता है। इसके बारे में सबसे पहले मॉरिसन ने बताया था, ठीक है, यानी कि बच्चा जो है अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा जो उसने ज्ञान हासिल किया है। उसके बाद में यहाँ पे बच्चे का बौद्धिक विकास काफ़ी तेज़ी से होता है। बच्चा किसी भी चीज़ या ज्ञान के सिद्धांत, परिभाषा, अवधारणा इत्यादि को सामान्य रूप से समझने की कोशिश करता है, जैसे जहाज़ कैसे उड़ता है, प्रधानमंत्री कौन होता है और कैसे बनता है इत्यादि। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, बच्चा बहुत ही अच्छे तरीके से उसको समझने की कोशिश करता है, उसके अंदर काफ़ी तरह की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। यह विद्यार्थी और शिक्षक दोनों में किसी भी ज्ञान को अच्छे से आत्मसात यानी कि ज्ञान को अच्छे से समझने की क्षमता विकसित करता है। अब देखिए, बच्चा जब बार बार क्वेश्चन पूछेगा, उसके अंदर जिज्ञासा होगी, तो उसकी जो समझने की जो एबिलिटी है वो बढ़ती जाएगी, उसका जो समझने का स्तर है वो बढ़ता जाएगा। अब देखिए आगे क्या होता है कि मूल्यांकन प्रणाली में विशेष रूप से छोटे प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न और निबंध प्रकार के प्रश्न शामिल किए जाते हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं, आगे जो हमारा लास्ट आता है रिफ्लेक्टिव लेवल यानी कि विमर्श, चिंतन सत्र, यानी कि जहाँ पे हम जो हमने ज्ञान हासिल किया है, जो समझा है, उसको समझने की कोशिश करते हैं, उस पर विचार करने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या होता है, इसको शिक्षण का उच्चतम सत्र माना जाता है, इसके बारे में हंट ने बताया था। अब देखिए, ये तीनों जो सत्र है इनके बारे में अलग अलग जो थिंकर हैं उन्होंने बताया था, ये आपको ध्यान रखना जरूरी है दोस्तों, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और चिंतन सत्र मुख्य रूप से स्मृति सत्र और अवबोधन सत्र पर निर्भर करता है। अब देखिए, ये जो चिंतन सत्र है, रिफ्लेक्टिव लेवल, ये हमारा कहाँ पे निर्भर करेगा, ये हमारे सबसे पहले मेमोरी लेवल पे डिपेंड करेगा कि हमने कितना ग्रहण किया है, उसे कितना ग्रहण किया है। और उसके बाद में अवबोधन सत्र यानी कि उसको हमने कितना समझने की कोशिश की है, उसको कितना हमने अंडरस्टैंड किया है। इस स्तर पे शिक्षण की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इस स्तर पे बच्चे की सोचने की क्षमता को विकसित किया जाता ताकि वह अपने जीवन की समस्याओं को आसानी से सुलझा सके। और उसके बाद है मूल्यांकन प्रणाली में इस स्तर पे निबंध प्रश्नों के साथ साथ विचार, भागीदारी और मनोवृत्ति को भी शामिल किया जाता है, ठीक है। यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल का मतलब क्या होता है कि जो हमने ज्ञान हासिल किया है, जो प्रयोग किए हैं, जो भी हमने किया वो हम रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी कि अपनी ज़िंदगी में उसे उतारने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो मुख्य रूप से तीन लेवल ऑफ टीचिंग थे और ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर फिर भी आपका कोई भी सवाल जवाब है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई बात समझ में ना आई। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि शिक्षण क्या होता है और अधिगम क्या होता है, लर्निंग एंड टीचिंग के अंदर क्या डिफरेंस है, और इस वीडियो में बिल्कुल आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अधिगम क्या होता है। अधिगम को अगर इंग्लिश में हम कहें तो लर्निंग होता है दोस्तों। और अब बात आती है कि लर्निंग हम किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले की वीडियो में भी आपको बताया था कि लर्निंग जो है हम वो किसी भी तरीके से सीख सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अब जैसे छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा जो होता है, जैसे 2 साल का बच्चा है, उसे हम स्कूल नहीं भेजते लेकिन फिर भी वो सीखता है। इसी तरीके से हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो सीखते हैं, वो कभी स्कूल नहीं गए हुए होते लेकिन फिर भी उनको गुणा, भाग, जोड़, घटा करनी आती है, यानी कि बेसिक चीज़ें उनको आती है, लेकिन वो कभी स्कूल तो नहीं गए लेकिन फिर भी उनको आ जाता है ये सारी चीज़ें करना, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, अधिगम यानी कि लर्निंग कहते हैं। लर्निंग जो है वो कभी भी कहीं भी कैसे भी हो सकती है। अब देखिए, थोड़ा सा इसमें पढ़ने की कोशिश करते हैं।
यह एक व्यापक सतत जीवंत पर्यंत चलने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, ठीक है। यानी कि ये कैसी प्रक्रिया है, ये पूरे जीवन जीवन भर चलने वाली एक एक्टिविटी है जो हम पूरे जीवन सीखते रहते हैं। मनुष्य जन्म के उपरांत ही सीखना प्रारंभ कर देता है और जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है। धीरे धीरे वह अपने वातावरण से समायोजित करने का प्रयत्न करता है। ये वही बात आ रही है दोस्तों, जब बच्चा जन्म लेता है तब से लेकर जब मरता है तब तक वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है। और यहाँ पे आप इनके उदाहरण भी देख सकते हैं दोस्तों, सारी चीज़ें हमने दी हुई है। जैसे छोटा सा बच्चा है, एक दीपक होता है, दीपक की लौ को पकड़ता है, उसे पता नहीं होता पहले कि इससे क्या होता है, लेकिन जब उसका हाथ जलता है तो वो सीख जाता है भी इस लौ को पकड़ने से हाथ जल जाता है, आग को हाथ लगाने से दर्द होता है, तो इस तरीके से वो सीखता है। अब हम बात करते हैं कि अधिगम की विशेषता क्या होती है। अब देखिए अधिगम क्या है, सबसे पहले जो अधिगम है, ये जो क्वेश्चन में आता है कि अधिगम क्या है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, कंटिन्यूस चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम अनुकूल प्रक्रिया है। अधिगम के अंदर क्या होता है कि हम बड़ी आसानी से सीखते हैं, जो हमें अच्छा लगता है वो हम आसानी से सीखते हैं। और अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया, यानी कि सार्वभौमिक का मतलब क्या है दोस्तों, ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब हम कहीं भी सीख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम इंडिया में रहेंगे तभी सीखेंगे, नहीं, हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएँ तो वहाँ पे हम सीख सकते हैं। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम मतलब कुछ भी हम सीखते तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो मेंटली हो, कैसे भी हो, हमारे हमारे अंदर परिवर्तन आता है। अधिगम पुराने और नए अनुभवों का योग है। अब अधिगम क्या होता है, लर्निंग क्या होती है, जो हमने पुराना जो एक्सपीरियंस रहा है और जो नया जो एक्सपीरियंस रहा है, उन दोनों का योग होता है, उन दोनों का कम्बिनेशन होता है। अधिगम शिक्षण अधिगम उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक है। अब देखिए यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, जो अधिगम जो होता है, लर्निंग जो होती है, हम लर्निंग करते हैं, वो क्या है कि शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने में बहुत लाभदायक होती है। जैसे कि मान के चलो हमें यूजीसी नेट क्वालिफाई करना है, तो अधिगम हम इसके लिए कहाँ कहाँ से कर रहे हैं, हम नोट्स से कर रहे हैं, हम यूट्यूब चैनल से कर रहे हैं, दोस्त से बात कर रहे हैं, तो जो लर्निंग जो है, अधिगम जो है, वो हमारा लक्ष्य प्राप्त करने में बहुत हेल्पफुल होता है। अधिगम विवेकपूर्ण है, ठीक है। और आगे हम देखते हैं कि शिक्षण और अधिगम का इसमें संबंध क्या है। अब देखिए, अब थोड़ी थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि शिक्षण क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि शिक्षण क्या चीज़ है, शिक्षण और अधिगम में डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि शिक्षण और अधिगम में संबंध क्या है। अब देखिए शिक्षण क्या होता है, शिक्षण एक हम सिस्टमेटिक ढंग से कुछ सीखने की कोशिश करें तो उसे हम क्या कहते हैं, शिक्षण कहते हैं। जैसे कि हम क्लास के अंदर गए, क्लास का टाइमिंग होता है भी 9 बजे से लेकर 10 बजे तक ये टीचर पढ़ाएगा, 10 बजे के बाद ये टीचर पढ़ाएगा, और आपको घर जाके ये काम करना है, इस तरीके से करना, आपका इतने दिन बाद टेस्ट होगा। तो शिक्षण क्या होता है, इसके अंदर एक सिस्टमेटिक ढंग से हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। और अधिगम जो होता है वो बिल्कुल फ्री होता है, हम कहीं भी कैसे भी सीख सकते हैं। दोस्तों अगर आप चाहे तो बहुत अच्छे से स्टडी करने के लिए हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर हम आपको सभी 10 यूनिट के स्टडी नोट्स देते हैं, थ्योरेटिकल वीडियोस देते हैं, इसके साथ साथ 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर देते हैं विद टॉपिक वाइज क्वेश्चन। जैसे कि आज तक रिसर्च के क्वेश्चन आ चुके हैं वो हमने अलग रखे हैं, टीचिंग के क्वेश्चन अलग रखे हैं, कम्युनिकेशन के अलग रखे हैं, इस तरीके से सभी 10 यूनिट के जो क्वेश्चन हैं आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको सभी 10 यूनिट के लाइव मॉक टेस्ट देते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो जल्दी से जल्दी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। ये देखिए, और यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं कि शिक्षण में अधिगम को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। शिक्षण व अधिगम के मध्य घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। शिक्षण व अधिगम को एक दूसरे से अलग नहीं किया जाता, ये वही बात आ गई दोस्तों, बार बार रिपीट, गलती से लिखा गया। शिक्षण ही अधिगम को उद्दीप्त, निर्देशित एवं प्रोत्साहित करता है, विद्यार्थी के प्रभावशील समायोजन में सहायता करता है। यानी कि ये देखिए शिक्षण क्या है, शिक्षण जो हम लर्निंग कर रहे हैं, अधिगम यानी कि थोड़ा थोड़ा कहीं से सीख रहे हैं, तो शिक्षण क्या है कि शिक्षण उस चीज़ को तेज़ी ला देता है, उस चीज़ के अंदर हमें पढ़ने के लिए, हमें और नया सीखने के लिए और उत्साहित करता है, ठीक है। और आगे हम देखते हैं कि शिक्षण एवं अधिगम में अंतर क्या है, थोड़ा सा अंतर भी देखने की हम कोशिश करते हैं।
शिक्षण में जटिल परंतु अंतर संबंधित क्रियाएं सम्मिलित होती है, जैसे प्रशंसा करना, प्रश्न पूछना, भाषण देना, प्रोत्साहन करना। अब देखिए शिक्षण के अंदर क्या होता है कि ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है और इसके अंदर इंटरनल चीज़ें भी होती है, जैसे कि हम मान के चलते हैं कि शिक्षण हम कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, क्लास के अंदर कोई टीचर पढ़ा रहा है, तो टीचर क्या है, हमारी प्रशंसा भी करेगा, हमारे क्वेश्चन, हमसे क्वेश्चन भी पूछेगा, हमें भाषण भी देगा, हमें प्रोत्साहित करेगा, यानी कि वो बहुत से ऐसे तरीके अपनाएगा जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा हम सीख सके, ठीक है। लेकिन जो हमारा अधिगम जो होता है, देखिए जबकि अधिगम व्यक्तिगत क्रिया है, ये विद्यार्थी के उपक्रम में घटित होते हैं, मतलब कि इसका ये है जो अधिगम होता है वो हम अपने आप सीखते हैं, हमें कोई सिखाता नहीं है। हम हो सकता है कि हम थोड़ा सा सीखे, ज़्यादा सीखे और कैसे भी सीख सकते हैं, तो इसके अंदर क्या है कि हमें कोई प्रोत्साहित नहीं करता, कोई हमें डांटता नहीं है, कोई हमें इनाम नहीं देता, तो ये क्या है कि व्यक्तिगत प्रक्रिया है, हम अपने आप करते हैं, ठीक है। और दोस्तों ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, और इनमें से एक क्वेश्चन जरूर डेफिनेटली आएगा, और शाम की जो वीडियो के अंदर आप देखना दोस्तों में से कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं, शिक्षण एक कार्य है जो कि अधिगम उसका परिणाम है। शिक्षण क्या है, शिक्षण एक कार्य है, एक वर्क है, हम एज ए वर्क करने जाते हैं, स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे सीखने जाते हैं, एक टाइम के अनुसार जाते हैं, आते हैं, तो वो क्या कार्य है, और अधिगम क्या है उसका परिणाम है, यानी कि शिक्षण से हमने क्या सीखा वो क्या है, अधिगम उसका परिणाम है। शिक्षण को एक कार्य भी कहा जा सकता है जिसमें किसी प्रकार की क्रिया नहीं होती है, ठीक है, ये बात। अधिगम को सफलता की उपलब्धि कहा जाता है, ठीक है, ये बात भी ठीक है। और आगे शिक्षण एक सामाजिक कार्य है जो दूसरों के हितों के लिए व्यवस्थित किया जाता है, यानी कि शिक्षण क्या है, एक सोशल वर्क है जिससे कि दूसरों के हितों के लिए व्यवस्थित किया जाता है। अब देखिए टीचिंग क्या है, टीचिंग एक सोशल वर्क है जिससे हम क्या करते हैं कि दूसरे का जीवन है वो सवर सके। अब टीचर पढ़ाता है क्लास में तो उसका मेन उद्देश्य है कि जो बच्चे हैं उनका जीवन सवर सके, ठीक है। जबकि अधिगम एक व्यक्तिगत क्रिया है जिसमें मात्र संबंधित व्यक्ति का ही हित निहित होता है, ठीक है। और जो अधिगम जो होता है वो केवल एक निजी पर्सनल क्रिया है जिसके अंदर केवल खुद का फायदा होता है, ठीक है, ये चीज आप समझने की कोशिश करना। और दोस्तों कोई बात समझ में नहीं आ रही तो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए बता सकते हैं। शिक्षण करने के लिए अधिगम इसमें समाहित हो सकता है लेकिन यह आवश्यक रूप से जरूरी नहीं है। दोस्तों ये जो बात है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको अभी बता रहा हूं, दोस्तों ये जो क्वेश्चन है कम से कम अभी तक 4 बार आ चुका है, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। शिक्षण करने के लिए अधिगम इसमें समाहित हो सकता है लेकिन यह आवश्यक रूप से जरूरी नहीं है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, शिक्षण करने के लिए अधिगम इसमें समाहित हो सकता है। अब देखिए अधिगम हमने देखा कि सीखना, लर्निंग। अब शिक्षण क्या होता है, शिक्षण एक सिस्टमैटिक ढंग से, अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एक क्लास है, ठीक है, क्लास के अंदर टीचर हमें पढ़ा रहा है और दो बच्चे वहां पे बैठे हुए हैं। अब एक जो बच्चा है उसका बिल्कुल भी मूड नहीं है, मैं नहीं पढ़ूंगा, ठीक है, यानी कि उसका अधिगम करने का मूड नहीं है उसके अंदर, ठीक है। लेकिन क्या करता है कि जो टीचर है वो इतने बढ़िया ढंग से पढ़ा रहा है, बहुत ही बढ़िया ढंग से टीचर पढ़ा रहा है, फिल्म दिखा रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है, तो क्या हुआ कि जो बच्चा था जिसको पढ़ना पसंद नहीं था उसको अपने आप धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लग गया, वो पढ़ने लग गया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि बच्चे में अधिगम करने की इच्छा नहीं थी लेकिन बाद में अपने आप ऑटोमेटिक वो हो गई, ठीक है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि शिक्षण करने के लिए अधिगम इसमें समाहित हो सकता है, बच्चे की इच्छा हो सकती है, ये कोई जरूरी नहीं है कि उसमें इच्छा होनी ही होनी चाहिए तभी वो बच्चा सीखेगा, ठीक है। यहाँ से आप बात समझ गए ना, इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा दोस्तों, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, पहले भी आया, कि शिक्षण करने के लिए अधिगम इसमें समाहित हो सकता है लेकिन यह आवश्यक रूप से जरूरी नहीं है। अब अगली बात देखते हैं, अधिगम के लिए शिक्षण हो सकता है लेकिन यह आवश्यक रूप से जरूरी नहीं है। अब ये बात भी ठीक है दोस्तों, अधिगम के लिए शिक्षण हो सकता है, अब हम कुछ सीख रहे हैं, ठीक है, गली में जा रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, ठीक है, तो उनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, तो वहाँ पर कोई हमें सिखा तो नहीं रहा ना, वो अपनी लड़ाई कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हम ऑटोमेटिक उनसे सीख रहे हैं, तो क्या है कि शिक्षण उसमें हो सकता है, ठीक है। शिक्षण क्या हो सकता है, इस दौरान क्या शिक्षण हो सकता है, इसमें यह हो सकता है कि दो बंदे लड़ाई कर रहे हैं, अपने साथ कोई टीचर जा रहा है और टीचर हमें यह कहे कि ये देख ये दोनों लड़ाई कर रहे हैं, इनका भविष्य क्या होगा, इनका परिवार खराब हो जाएगा, तो कहने का मतलब क्या कि उसमें शिक्षण हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है। तो दोनों चीजों को आप ध्यान में रख लो कि शिक्षण में अधिगम हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है, इसी तरीके से अधिगम में शिक्षण हो सकता है लेकिन यह जरूरी नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों हमारा, ये है करैक्टरिस्टिक ऑफ एडोलसेंट एंड अडल्ट लर्नर, ठीक है, ये टॉपिक हमारा नया है, इसमें हम देखते हैं किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षा, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं और जो बड़े बच्चे होते हैं, यानी कि अडल्ट जो बच्चे होते हैं उनके अंदर क्या क्या विशेषताएं होती है सीखने की, क्या क्या डिफरेंस होते हैं, वो हमें समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। यहाँ पे मुख्य रूप से एकेडमिक, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव और इंडिविजुअल डिफरेंस की हम बात करेंगे। अब देखिए जो बच्चा सीख रहा है उसके अंदर क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं, क्या क्या विशेषताएं हो सकती है लर्नर की। यह शिक्षण प्रक्रिया का एक आश्रित चर होता है जो शिक्षण प्रक्रिया द्वारा अपने आप में मनचाहा परिवर्तन लाने की कोशिश करता है, ठीक है। जो लर्नर है, जो बच्चा है, वो किस पे आश्रित होता है, वो टीचर पे होता है, जो टीचिंग कर रहा है उसके ऊपर निर्भर करता है, और जो क्या करता है कि अपने आप में परिवर्तन लाने की कोशिश करता है। तो लर्नर की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती है, क्या क्या हो सकती है, अध्ययनशील, परिश्रमी, आशावादी,
ठीक है, ये शायद मेरे को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है आपको। और उसके बाद में उद्देश्यपूर्ण, जो बच्चा होता है उसका एक उद्देश्य होता है कि मेरे को क्या करना है। सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव, धैर्यवान, धैर्यवान मतलब यानी कि किसी बच्चे को पहली क्लास में कुछ समझ में नहीं आए तो वो धैर्य वेट करता है, भी हो सकता है दूसरी क्लास में, तीसरी क्लास में, चौथी क्लास में आए मेरे को समझ में। और फिर अनुशासनशील यानी कि उसके अंदर अनुशासन होना चाहिए। और किशोरावस्था की विशेषताएं, किशोरावस्था यानी कि जब थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या क्या और विशेषताएं आनी शुरू हो जाती है। काल्पनिक यानी कि वो कल्पना करने लग जाता है कि ये चीज़ ऐसे भी हो सकती है, वैसे भी हो सकती है। तीव्र शारीरिक व मानसिक विकास यानी कि जब बच्चा बड़ा होगा तो सीधी सी बात है उसका जो मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से विकास होगा। स्व प्रेम की भावना यानी कि उसे अपने आप से प्रेम होने लगेगा, किसी और से भी प्रेम हो सकता है। आत्मनिर्भर बनने की इच्छा यानी कि जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो वो ये सोचने लगता है कि मैं अब ये करूँगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, ये मैं ये बनूंगा, यानी कि उसमें आत्मनिर्भर होने की संभावना आने लग जाती है। विद्रोह व स्वतंत्रता की भावना, अब विद्रोह भी होने लगता है। अब देखिए जब बड़ा बच्चा बड़ा बन जाता है तो अपने माता पिता से लड़ाई भी करने शुरू कर देता है, ठीक है, तो और स्वतंत्रता की भावना भी, वो कहता कि मैं तो ऐसे रहूँगा, ये करूँगा, यानी कि सामने बोलने लग जाता है। मित्रता की भावना, वो क्या करता है कि बड़ा होने पे ज़्यादा लोगों से मित्रता करने की कोशिश करता है। नास्तिक व आस्तिक होना, ठीक है, यानी कि जब बच्चा बड़ा होगा उसे कई कई चीज़ें पता चलेगी कि श्री राम ऐसे थे, अल्लाह ऐसे थे, ये थे, वो थे, तो वो आस्तिक भी हो सकता है और नास्तिक भी हो सकता है। देशभक्ति की भावना उसमें आने लगेगी। काम प्रवृत्ति की इच्छा, ठीक है। और अब आगे हम देखते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या होती है, और ये हमने की थी, ये नॉर्मल की थी। अब व्यक्तिगत भिन्नताएं हम देखने की कोशिश करते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस क्या क्या हो सकते हैं। अब देखिए इसमें मुख्य रूप से दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक आंतरिक यानी कि इंटरनल डिफरेंस क्या हो सकते हैं और एक एक्सटर्नल डिफरेंस क्या हो सकते हैं। अब देखिए व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण क्या हो सकते हैं, एक तो वातावरण हो सकता है, ठीक है, वातावरण है, वही बात है कि अच्छा पढ़ने लिखने का माहौल नहीं है, घर में बाप शराबी है, तो उससे क्या होगा कि उसके अंदर खुद परिवर्तन आने लगेगा, वो भी बच्चा वैसा ही बनने लगेगा। लिंग भेद यानी कि जो लड़का लड़की है उनके अंदर अगर भेदभाव करेंगे तो भी उनके अंदर डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा। वंशानुक्रम यानी कि अगर उसकी पीढ़ी ऐसी है जो अच्छी पढ़ी लिखी नहीं है और वो अच्छा उनका व्यवहार नहीं है, चाल चलन ठीक नहीं है, तो वो उसका प्रभाव पड़ेगा। शिक्षा, अब शिक्षा भी यही चीज़ है कि उसका जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर कितने लोग पढ़े लिखे हैं और कितनी अच्छी उसको शिक्षा मिल रही है। रुचि, उसका इंटरेस्ट किन किन चीज़ों में इंटरेस्ट है, ज़्यादा खेलने में है, लड़ाई झगड़े में है, तो वो अच्छे से स्टडी नहीं कर सकता। और मानसिक विकास, शारीरिक विकास और संवेग भावनाएं, यानी कि ये चीज़ें भी होती है। मानसिक विकास हो सकता है बच्चे का ज़्यादा मानसिक विकास ना हो, थोड़ा मंदबुद्धि हो, शारीरिक विकास भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है कि ये व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं बच्चे के अंदर। और आगे हम देखते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नताओं में शिक्षक का योगदान क्या रहता है। अब देखिए इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, कई बार इसमें से क्वेश्चन आया है कि एक बच्चा मंदबुद्धि बच्चा क्लास के अंदर बैठा हुआ है तो आप क्या करोगे, आप उसे क्लास से भगा दोगे, आप उसे डांट लगाओगे, आप उसे अलग से समझाओगे, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है हमें। अगर शिक्षक को व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में पता होगा तो मंदबुद्धि प्रतिभाशाली सामान्य बच्चों का पता लगा सकेगा और बच्चों के अनुसार अपना शिक्षण कार्य तैयार कर सकेगा। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है कि अगर जो टीचर है उसको पता चल जाएगा कि क्लास के अंदर दो बच्चे ऐसे जो जिनको कम समझ में आता है और होनहार बच्चे हैं कई इसके अंदर और कई लड़ाई करने वाले हैं, तो वो अपने हिसाब से स्टडी करेगा। जो मंदबुद्धि बच्चे हैं उनको हो सकता है वो अलग से समझाने की कोशिश करें। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है। अब मान के चलते हैं कि क्लास में दो बच्चे हैं वो मंदबुद्धि है और 15 बच्चे हैं वो नॉर्मल बच्चे हैं। अब देखिए इन दो बच्चों की वजह से हम अपनी पूरी टीचिंग वो बहुत स्लो नहीं कर सकते ना, हम क्या करेंगे कि जो क्लास में जिस तरीके से नॉर्मल पढ़ा रहे हैं हम उस तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन इन दो बच्चों के लिए हम स्पेशल क्लास ले सकते हैं, अलग से पढ़ा सकते हैं, अलग से समझा सकते हैं, बीच में किसी पॉइंट में ज़्यादा जोर दे सकते हैं,
सकते हैं, लेकिन हम इन दो बच्चों के लिए पूरे के पूरे 15 बच्चों का जो स्टडी मटेरियल है, जो भी पढ़ाने का हमारा स्टाइल है, वो हम चेंज नहीं कर सकते, हम अलग से इनको पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा समझने की ज़रूरत है, इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। और अब हम देखते हैं कि शिक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार बदलाव क्या क्या होता है, ये देखिए क्या क्या कर सकते हैं, वही बात कि हम अलग अलग बांट सकते हैं, अलग अलग पाठ्यक्रम रख सकते हैं और क्लास का आकार सीमित रख सकते हैं, सरल शिक्षण विधियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आगे हम देखते हैं दोस्तों, ये जो क्लास हमारी थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, आप पूरा देखना। शिक्षण प्रभावक तत्व यानी कि जो फैक्टर इफेक्टिंग टीचिंग क्या क्या होते हैं, टीचिंग को क्या क्या फैक्टर इफेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या इफेक्ट कर सकते हैं, एक तो शिक्षक की विशेषता, जो टीचर है उसमें क्या विशेषताएं हैं, वो विषय संबंधी ज्ञान, स्पष्ट उद्देश्यवादी, सकारात्मक अभिवृत्ति, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना, यानी कि जो टीचर क्लास में विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करेगा उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, विविधता तथा सचेतता का समावेश, ये पता नहीं क्या है, विषय का मूलभूत व्यवहार यानी कि उसके बारे में जानकारी होना, और कार्य के प्रति समर्पित यानी कि कोई टीचर है वो किस शिद्दत से अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। अब सरकारी स्कूलों में हम देखते हैं कि वहाँ पे अच्छे से स्टडी नहीं होते, वो क्या है कि समर्पित नहीं होते अपने काम के प्रति, ठीक है। तो यहाँ पे हमने काफ़ी तरह की बातें लिखी हुई है, ये सारी की सारी बातें आप पढ़ लेना और इन्हीं में से एक क्वेश्चन आएगा दोस्तों, छोटी छोटी चीज़ों में से, ठीक है। और आगे हम देखते हैं कि शिक्षण सहायक सामग्री हमारी कौन कौन सी होती है। शिक्षण सहायक सामग्री मुख्य रूप से तीन चीज़ों में डिवाइड की जाती है, दृश्य सामग्री यानी कि जिसको हम देख सकते हैं, श्रव्य सामग्री जिनको हम सुन सकते हैं, दृश्य एवं सर्वे सामग्री यानी कि जिनको हम देख और सुन सकते हैं। अब देखिए दृश्य सामग्री के अंदर क्या होता है कि देखने वाले में फिल्म हम देख सकते हैं, स्ट्रिप देख सकते हैं, प्रोजेक्टर देख सकते हैं, और मानचित्र भी देख सकते हैं, श्यामपट यानी कि जो हमारा ब्लैक बोर्ड वगैरह होता है उसको हम कहते हैं, ठीक है। देखने में कोई भी चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है, वो मूवी भी आ सकती हैं और एक दीवार पर लिखा हुआ कुछ है वो भी आ सकता है, ठीक है। और सर्वे सामग्री जिससे हम सुन सकते हैं वो क्या होगा, जैसे रेडियो होगा, टेप रिकॉर्डर हो गया, और फ़ोन पे भी आजकल जैसे हम फ़ोन पे बातें करते हुए ये क्वेश्चन कैसे आएगा, तो वो भी हो सकता है। और ऑडियो विजुअल सामग्री क्या होती है, उन्हें हम जो देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। अब देखिए टीवी है, कंप्यूटर है, वीडियो है, और आप जो हमारी वीडियो देख रहे हैं तो ये ऑडियो विजुअल के अंदर आती है, ठीक है। और ये हमने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। और सॉफ्टवेयर अगर क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एड ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी के ऊपर अगर हम बात करें तो उसके अंदर आएगा एक सॉफ्टवेयर की बात आएगी, जैसे ग्राफ हो गया, बुक हो गया, यानी कि बुक कौन सी, पीडीएफ जो बुक होगी, ई बुक जिसे हम कहते हैं, चार्ट कहते हैं, और मॉडल वगैरह है। और हार्डवेयर के अंदर जैसे प्रोजेक्टर आ गया, टीवी आ गया, रेडियो आ गया, ठीक है। और यहाँ पे हमने काफ़ी तरह की चीज़ें दी हुई है, ये सारी की सारी चीज़ें आप दोस्तों पढ़ सकते हैं, बिल्कुल आसान है और इन्हीं में से काफ़ी बार क्वेश्चन आता है। डिस्प्ले मेथड, अब देखिए डिस्प्ले मेथड में क्या क्या हो सकती है, जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, फिल्म बोर्ड, फैनल बोर्ड हो गया, तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आप एक बार पढ़ लेना, और आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक रिपीट होने वाले क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि टीचिंग एप्टीट्यूड में हमारे लिए ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं और हमें उनको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। इंडियाज नंबर वन स्टडी ऐप NTAUGCNET यानी निमिजी नेट, फ्री स्टडी नोट्स और वीडियोज, ऑल पेपर विद आंसर की, ऑनलाइन मॉक टेस्ट फॉर पेपर फर्स्ट एंड सेकंड, न्यू सिलेबस फॉर पेपर फर्स्ट एंड सेकंड, डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षण और अधिगम के बारे में। दोस्तों मैंने आपको पहले अच्छे तरीके से समझाया है शिक्षण क्या होता है, अधिगम क्या होता है, और इन दोनों के अंदर क्या संबंध है दोनों का, और इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, इसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। दोस्तों हमने पूरे नोट्स भी बना रखे हैं सभी 10 यूनिट के, अगर आप नोट्स लेना चाहें और ये पेपर लेना चाहें, हमने 2012 से लेके दिसंबर 2019 तक सभी क्वेश्चन अलग अलग किए हुए हैं, जैसे कि रिसर्च के क्वेश्चन आज तक जो भी आए हैं वो हमने अलग कर रखे हैं, टीचिंग के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है, इस तरीके से सभी स्टडी मटेरियल आपको लेना है, पूरी अच्छे से स्टडी करनी है, तो आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं।
पेड ग्रुप किस तरह से ज्वाइन करना है, उसकी क्या फीस है, उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी दे देंगे। आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज करने के लिए आप स्क्रीन पे जो नंबर दिखाई दे रहा है आप उस पे हमें मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि शिक्षण और अधिगम में किस तरह से क्वेश्चन आए हैं। दोस्तों सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है ये दिसंबर 2013 के अंदर आया था। हम देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आया था। ये देखिए दोस्तों, ये दिसंबर 2013 का क्वेश्चन पेपर है और इसके अंदर ये क्वेश्चन नंबर 54 अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है ये हमें बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी व्यवहार संशोधन, यानी कि हमारा जो बिहेवियर है उसके अंदर चेंज आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके अंदर मॉडिफिकेशन, पॉजिटिव मॉडिफिकेशन होना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप ये इंग्लिश में देखना चाहें तो इंग्लिश में भी देख सकते हैं। हमने इंग्लिश हिंदी दोनों के अंदर ये क्वेश्चन दिए हुए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका आंसर मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर है। और उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों शिक्षण और अधिगम में किस तरह से क्वेश्चन आए हैं, और इसमें से बहुत से क्वेश्चन आए हैं दोस्तों। मैं आपको धीरे धीरे अभी दिखाने वाला हूं कि किस तरह से इसमें से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अब ये देखिए, ये दोस्तों ये जनवरी 2017 का क्वेश्चन पेपर है, इसमें इन्होंने पूछा हुआ कि शिक्षण और अधिगम के जो संबंध है उन दोनों के अंदर क्या रिलेशन है, उसके बारे में कौन से कथन सही है वो हमें बताने हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका आंसर क्या है। आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर टू है। टू में, टू के अंदर 1, 2, 3 और 5 यहाँ पे इन्होंने दिया, ये सभी हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है, जब छात्र किसी परीक्षा में असफल होते हैं तो वह शिक्षक है जो असफल होता है। ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों, जब सभी छात्र असफल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं इफेक्ट शिक्षक के ऊपर पड़ता है। उसे सोचना चाहिए कि मेरी जो पढ़ाने का जो स्टाइल है उसमें कहाँ पे कमी रहेगी, क्या दिक्कत है, उसको सोचना चाहिए। ऑप्शन नंबर टू पे बात हम करते हैं कि प्रत्येक शिक्षण का उद्देश्य अधिगम सुनिश्चित करना होता है। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, जब हम क्लास के अंदर पढ़ा रहे हैं तो हमारा मोटिव ये होना चाहिए कि हमारे पढ़ाने से छात्रों के अंदर कुछ बिहेवियर चेंज हो, उनका कुछ अच्छा मॉडिफिकेशन हो उनके अंदर, कुछ वो सीख के जाए हमसे, ठीक है। ये सबसे बड़ा उद्देश्य होता है शिक्षण का। उसके बाद है कि अधिगम के बिना शिक्षण हो सकता है, ये बात भी बिल्कुल सही है दोस्तों, कि जैसे मान के चलते कि कोई स्टूडेंट बैठा है क्लास के अंदर, उसका मूड नहीं है पढ़ने का, लेकिन हम अपनी टीचिंग के जरिए उसका मूड बना सकते हैं पढ़ने का, यानी कि कोई सीखना नहीं चाहता लेकिन हम अपने टीचिंग के जरिए उसको ज़बरदस्ती भी सिखा सकते हैं। उसका एनवायरमेंट हम इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं कि जो एक बोरिंग स्टूडेंट होता है, उसे पढ़ना अच्छा नहीं लगता, उसे भी उसकी क्लास भी हम इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, यानी कि अधिगम के बिना शिक्षण हो सकता है। और इसके बारे में अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से जानता है अधिगम और शिक्षण के बारे में, तो ये आप हमारा नोट्स पढ़ सकते हैं, और हमने पीछे भी वीडियोस बनाई हैं अधिगम और शिक्षण के बारे में, वो आप सभी वीडियोस देखना, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अब हम बात करते हैं अगला ऑप्शन है जो हमारा ऑप्शन नंबर 5, कोई शिक्षक शिक्षण करता है किंतु वह सीखता भी है। ये बात भी बिल्कुल सही है दोस्तों, कोई भी टीचर है जब वह टीचिंग करता है तो उसके साथ साथ वह खुद भी सीखता है, उसे अपने आप समझ में आता है कि मुझे किस तरह से पढ़ाना चाहिए, किस तरह से बच्चों को ज़्यादा तरीके अच्छे तरीके से समझ में आता है, तो साथ के साथ वो पढ़ाता भी है और खुद सीखता भी है, ये बात इसकी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हम बिल्कुल आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये जनवरी 2017 का ही क्वेश्चन पेपर है और इसी के अंदर ये क्वेश्चन नंबर 56 दोबारा फिर आ गया शिक्षण और अधिगम से रिलेटेड। ये देखिए इन्होंने यहाँ पे इन्होंने अभी कथन ए दिया है, अधिगम एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, ये बात इसकी बिल्कुल सही है दोस्तों। और अगला है, अधिगम के उपयोगी होने के लिए इसे जीवन प्रक्रमों से जोड़ा जाना चाहिए। अब हमें ये बताना कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब देखिए इसके अंदर जैसे इन्होंने ऑप्शन आंसर दिया है, आंसर नंबर एक दिया है, एक में हम देखते हैं ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। अब इस पर हम बात करते हैं दोस्तों किस तरह से ये सही है। देखिए, अधिगम एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, ये बात बिल्कुल सही दोस्तों, जो अधिगम है वो पूरी जिंदगी चलता रहता है। एक छोटा सा बच्चा भी सीखता है और एक बूढ़ा इंसान भी सीखता है, उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो स्कूल में जाए कॉलेज में जाए, कोई जरूरी नहीं है। अधिगम का सिंपल भाषा में हम मतलब समझे तो इसका मतलब ये होता है सीखना होता है, और हम सीख कहीं भी सकते हैं, कैसे भी सीख सकते हैं, अपनी उम्र चाहे कुछ भी हो, यानी कि पूरी जिंदगी इंसान कुछ ना कुछ सीखता रहता है।
ठीक है, और आगे हम देखते हैं तर्क जो आर दिया है, अधिगम के उपयोगी होने के लिए इसे जीवन प्रक्रमों से जोड़ा जाना चाहिए। ये बात इसकी बिल्कुल सही है दोस्तों। जो हम सीख रहे हैं वो उपयोगी कब होगा? जब हम उसे अपनी ज़िंदगी से रिलेट करके चलेंगे। ठीक है, जैसे मान के चले कहीं पर लड़ाई हो रही है या किसी को कुछ काम करते वक्त चोट लग गई है, कोई बाइक तेज़ चला रहा है, तेज़ बाइक चलाने से उसका एक्सीडेंट हो गया, तो उसे हमें अपनी ज़िंदगी से रिलेट करना चाहिए। भाई अगर हम भी तेज़ बाइक चलाएंगे तो हो सकता है हमारा भी एक्सीडेंट हो जाए, तो हमें उससे कुछ सीख लेनी चाहिए, अपनी ज़िंदगी से रिलेट करके चलना चाहिए, तभी जो अधिगम है हमारा वो उपयोगी साबित होगा। तो इस तरह से इसका जो आंसर है ए बिल्कुल सही है, ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या है। ठीक है, और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ना अधिगम और शिक्षण का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं बता रहा हूँ। ये टॉपिक हमारा 2019 तक भी रिपीट हुआ है। मैं आगे आपको दिखाऊंगा, ये वीडियो आप पूरा देखना, आपको बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, ये नवंबर 2017 का क्वेश्चन पेपर है, और इन्होंने यहाँ पे दोबारा फिर ये पूछ लिया कि जो शिक्षण और अधिगम है कि उनकी जो प्रकृति और उद्देश्यों को सर्वोत्तम रूप में प्रस्तुत करता है, यानी कि इसके अंदर ये ऐसे कौन से कथन हैं जो शिक्षण और अधिगम की प्रकृति और उसके उद्देश्य को बताते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, तो इसका हम आंसर देखते हैं। आंसर नंबर 2 है ये, यहाँ पे इन्होंने दिया है बी सी ई, बी सी ई। अब ये तीनों जो ऑप्शन है ये हम देखते हैं। सबसे पहले बी, ये देखिए, शिक्षण सामाजिक कृत्य है जबकि अधिगम व्यक्तिगत कृत्य है। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, और ये हमने हमारे नोट्स के अंदर भी आपको बताई हुई है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से इस। अब देखिए इसका सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन इन्होंने बी दिया हुआ है। तो बी में हम देखते हैं कि शिक्षण एक सामाजिक कृत्य है, ये बात इसकी बिल्कुल सही है। अब देखिए इसका जो सबसे पहला ऑप्शन इन्होंने दिया है बी, बी हम देखते हैं, शिक्षण सामाजिक कृत्य है जबकि अधिगम व्यक्तिगत कृत्य है, ये बात इसकी बिल्कुल सही है दोस्तों। जो शिक्षण जो है ना, जो टीचिंग है, वो एक सोशल वर्क है, सोशल काम है, और लेकिन जो अधिगम है, अधिगम एक व्यक्तिगत कृत्य है। जैसा कि मैंने आपको पहले अभी बताया है कि जो अधिगम है, सीखना है, वो हम पूरी ज़िंदगी कभी भी सीख सकते हैं। अगर हम अकेले बैठे हुए हैं किसी रूम के अंदर, तो हम एक जो चींटी होते हैं उससे भी हम सीख सकते हैं, किसी भी चीज़ से हम सीख सकते हैं। तो जो अधिगम जो होता है ना, वो हमारा व्यक्तिगत कृत्य होता है, पर्सनल वर्क होता है, लेकिन शिक्षण जो है वो एक सामाजिक काम होता है, जैसे हम किसी कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं, स्कूल के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, और शिक्षण में अधिगम निहित होता है, ठीक है, जबकि अधिगम शिक्षण को समाहित नहीं करता। अब देखिए इस बात को हमें समझना काफ़ी ज़रूरी है। देखिए शिक्षण में अधिगम निहित होता है, ये बात इसकी बिल्कुल सही है, यानी कि जब कोई टीचिंग कर रहा है तो उससे सीधा सा मतलब, देखिए जब कोई टीचिंग कर रहा है तो उसका सीधा सा मतलब है कि उससे कुछ ना कुछ अधिगम होगा, यानी कि कुछ ना कुछ उससे हम सीखेंगे। ठीक है, जबकि अधिगम में शिक्षण निहित नहीं होता, ये बात इसकी बिल्कुल सही है, ये हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए अधिगम का मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, अधिगम का मतलब होता है सीखना, चाहे वो किसी भी तरीके से सीखे। अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि हम रूम में बैठे हुए हैं और एक चींटी है, चींटी से हम कुछ सीख रहे हैं कि वो बार बार दीवार पर चढ़ रही है और गिर रही है, बार बार चढ़ रही है और गिर रही है, लेकिन अंत में वो अपने मुकाम पे पहुंच जाती है, तो उससे हम सीख रहे हैं। हालांकि यहाँ पे जो चींटी है वो हमें सिखा नहीं रही, वो हमें टीचिंग नहीं दे रही, वो अपना काम कर रही है, लेकिन उसके काम करने से हम सीख रहे हैं। ठीक है, इस तरह से ये बात हमें समझनी होगी, शिक्षण के अंदर अधिगम निहित होता है लेकिन अधिगम के अंदर शिक्षण निहित नहीं होता, ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना जरूरी है। और आगे हम बात करते हैं, आगे इसके अंदर ऑप्शन नंबर ई है, ई के अंदर देखते हैं, शिक्षण एक अंतःक्रिया है और प्रकृति में त्रिपदी है, और जबकि अधिगम एक विषय के अंतर्गत सक्रिय कार्य है। अब देखिए इसके अंदर क्या है, अब देखिए अब हम ऑप्शन नंबर ई पे बात करते हैं, शिक्षण एक अंतःक्रिया है और प्रकृति में त्रिपदी है, इसका मतलब ये है कि जो शिक्षण जो है वो अंतःक्रिया, यानी कि उसका कोई अंत नहीं है, वो काफ़ी तरह से फैला हुआ है, जबकि अधिगम एक विषय के अंतर्गत सक्रिय कार्य है। और जो अधिगम जो है, अधिगम हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, और ये एक सक्रिय कार्य है, ये लगातार चलते रहने वाला कार्य है, यानी कि हम सो रहे हैं तब भी हम अधिगम कर रहे हैं, चल रहे हैं, यानी कि ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। और आगे हम बात करते हैं, आगे हमारा जो क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब देखिए नवंबर 2017 में ही क्वेश्चन नंबर 3 इन्होंने फिर से शिक्षण और अधिगम के बारे में पूछ लिया, सभी शिक्षण में अधिगम निहित होता है। अब ये देखिए, ये हमें समझना जरूरी है,
ये सारी चीज़ें अच्छे से सभी शिक्षण में अधिगम निहित होता है। अगला हम बात करते हैं अधिगम को उपयोगी होने के लिए उसे आवश्यक रूप से शिक्षण से व्युत्पन्न होना चाहिए। ये चीज़ें हम देखते हैं, इसको एनालिसिस करते हैं। इसका आंसर इन्होंने दिया है ऑप्शन नंबर 3, ए सही है लेकिन आर गलत है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ए सही कैसे है और आर गलत कैसे है। देखिए, सभी शिक्षण में अधिगम निहित होता है, ये बात हमने पहले भी पढ़ी है, मैंने आपको दो बार बता चुका हूँ ये बात कि जब भी हम शिक्षण करते हैं तो उससे कुछ ना कुछ सीखते हैं, यानी कि शिक्षण के अंदर अधिगम निहित होता है, ये इसकी बात बिल्कुल सही है। आगे हम बात करते हैं कि अधिगम को उपयोगी होने के लिए उसे आवश्यक रूप से शिक्षण से व्युत्पन्न होना चाहिए। इसका मतलब ये कह रहा कि अधिगम के उपयोगी होने के लिए उसे आवश्यक रूप से शिक्षण से उत्पन्न होना चाहिए का मतलब है कि जब हम कुछ सीख रहे हैं ना तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें कोई सिखाने वाला होना चाहिए। ठीक है, ये कह रहा कि कोई टीचर होना चाहिए, कोई सिखाने वाला होना ही होना चाहिए। ये बात इसकी बिल्कुल सही है क्योंकि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था कि एक चींटी से हम सीख रहे हैं, चींटी अपना काम कर रही है, वो हमें टीचिंग नहीं दे रही, वो अपना काम कर रही है लेकिन फिर भी हम उससे सीख रहे हैं। ठीक है, तो उसके अंदर शिक्षण तो नहीं है ना, शिक्षण से व्युत्पन्न तो नहीं हो रहा वहाँ से हमारा अधिगम, तो ये इसकी जो बात है आर जो है ये इसकी बात बिल्कुल गलत होगी और ए जो ऑप्शन है ये इसका बिल्कुल सही होगा। तो इस तरह से दोस्तों हमें कॉन्सेप्ट को समझना है, इस तरह से हमें आंसर देने हैं। और आगे हम देखते हैं दोस्तों आगे किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं शिक्षण और अधिगम में से। ये देखिए, ये जुलाई 2018 का क्वेश्चन पेपर है और इसके अंदर इन्होंने फिर से शिक्षण और अधिगम की प्रकृति और उसके उद्देश्य के बारे में पूछ लिया, और इन्होंने पीछे भी पूछा हुआ था। ये देखिए, नवम्बर 2017 में भी यही क्वेश्चन आया था, प्रकृति और उद्देश्य के बारे में पूछा हुआ है। तो आप देख लीजिए दोस्तों, आपको लाइव मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, आप अपने आंखों से देख लीजिए। अब देखिए, इसका जो प्रकृति और उद्देश्य है इसका आंसर हम देखते हैं, आंसर नंबर इन्होंने 3 दिया है। 3 के अंदर इन्होंने ACF दिया है, तो ACF पे हम बात करते हैं। ए इन्होंने दिया है शिक्षण और अधिगम अविच्छित रूप से संबंधित है, यानी कि इसका मतलब ये है कि शिक्षण और अधिगम जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है कहीं ना कहीं, ये इसकी बात बिल्कुल सही है। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आगे है हमारे पास, अब देखिए अगला ऑप्शन है हमारे पास सी, समस्त शिक्षण का सारोकार छात्रों में कुछ प्रकार के रूपांतरण को सुनिश्चित करना होता है। ये इसकी बात बिल्कुल सही है दोस्तों, जब भी हम टीचिंग करते हैं, सिखाते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है, हमारा उद्देश्य यही होता है कि हमारे जो स्टूडेंट है उनके अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन आए, पॉजिटिव परिवर्तन उसके अंदर आए, ये बात इसकी बिल्कुल सही है। और आगे हम देखते हैं, आगे है ऑप्शन नंबर एफ, शिक्षण एक सामाजिक कृत्य है जबकि अधिगम एक व्यक्तिगत कृत्य है। अब ये बात देखिए बिल्कुल डिट्टो कॉपी ऑप्शन रिपीट हुआ है, मैंने आपको पीछे दिखाया है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए यहाँ पे मैंने बताया है, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ये दिया है, शिक्षण सामाजिक कृत्य जबकि अधिगम व्यक्तिगत कृत्य है। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ, तो इसका जो ऑप्शन है ये इसका बिल्कुल सही हो जाएगा एफ। ठीक है, तो आप देख लीजिए दोस्तों किस तरह से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और अगर आपको ये पता चल जाता है कि सभी टॉपिक के अंदर कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं तो हम बिल्कुल आसानी से नेट और JRF क्वालिफाई कर सकते हैं। और दोस्तों हम इसी तरीके से वीडियो बनाते हैं, हमने पहले भी वीडियो बनाई है, आप रिसर्च की वीडियो देखें, उसके अंदर हमने आपको बताया है कि 2012 से लेके 19 तक ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो रिपीट हुए हैं। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और अगर आपको बहुत अच्छे से स्टडी करनी है तो आप हमारा पेड ग्रुप भी ज़रूर ज्वाइन करना दोस्तों। ठीक है, लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से पूरी जानकारी ले सकते हैं। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 इन्होंने फिर से अधिक कथन और तर्क वाला क्वेश्चन दे दिया है। इसके अंदर इन्होंने पूछा है कि जो ए है, समस्त शिक्षण का उद्देश्य अधिगम को सुनिश्चित करना होता है, ये इसकी बात बिल्कुल सही है दोस्तों, मैं ये बात काफ़ी बार आपको समझा चुका हूँ और दिखा चुका हूँ कि शिक्षण का उद्देश्य यही होता है कि हम कुछ ना कुछ सिखा सके अपने स्टूडेंट को। आगे आता है दोस्तों, समस्त अधिगम शिक्षण का परिणाम होता है। अब ये देखिए ये क्या कह रहा है कि समस्त अधिगम यानी कि जो भी हम सीख रहे हैं वो शिक्षण का परिणाम होता है, तो ये इसकी बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। हम केवल और केवल टीचिंग से ही नहीं सीखते, इसके अलावा भी और बहुत से तरीके जिनसे हम सीख सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमें आंसर देना है क्वेश्चन का, कितने आसान हैं, अगर हमारे सामने अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो हम बिल्कुल आसानी से नेट और JRF क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और अब हम आगे देखते हैं दोस्तों, आगे इसमें से किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और किस तरह से हमें इस टॉपिक को समझना है।
और ये दोस्तों बाद में भी आया है, ये देखिए जैसे 25 जून 2019 इवनिंग शिफ्ट का पेपर है और इन्होंने यहाँ पे पूछा हुआ है कि अधिगम उद्देश्यों का अर्थ है, यानी कि जो हम सीख रहे हैं उसका क्या अर्थ है, अधिगम अनुभव इसका। ये बिल्कुल सही है दोस्तों कि जैसे हम जो भी हम सीख रहे हैं तो वो क्या है कि वो एक्सपीरियंस बनता जाता है, हम उसको रिपीट करते हैं, बार बार अनुभव करते हैं, ठीक है। और आप इसके जो और ऑप्शन है उन पर भी आप विचार कर सकते हैं, और अगर आपको ये अच्छे से समझना है तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप हमारा जो नोट्स है ये अच्छे से पढ़िए, आपको पूरा हर एक टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे हम देखते हैं दोस्तों आगे इसमें से किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, और मैं आपको दिखाऊंगा कि ये दिसंबर 2019 में भी किस तरह से रिपीट हुए हैं। ये देखिए ये हमारा 4 दिसंबर 2019 इवनिंग शिफ्ट का पेपर है दोस्तों, देख लीजिए ये दिसंबर का है। और जो दोस्त ये कहते हैं ना कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते अब, तो आप देख लीजिए दोस्तों आपके बिल्कुल सामने है, ये है हमारा 4 दिसंबर 2019 का इवनिंग का पेपर है, और इसके अंदर ये देखिए दोस्तों 4 दिसंबर 2019 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, और इन्होंने यहाँ पे ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है। ये देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन शिक्षण और अधिगम के मध्य अंतर करते हैं, यानी कि दोनों में डिफरेंस कौन कौन से पॉइंट बताते हैं वो हमें बताना है। अब देखिए इसका जो आंसर यहाँ पे इन्होंने दिया है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया है, ए में देखते हैं ए सी ई यहाँ पे दिया है, तो इन सभी पे हम विचार करते हैं। जो ए है, ए हम सबसे पहले देखते हैं कि शिक्षण एक सामाजिक कृत्य है जबकि अधिगम एक निजी कृत्य है। आप देख सकते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन अपना तीसरी बार रिपीट हुआ है, और बिल्कुल डिट्टो कॉपी क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो रिपीट हुआ है, ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं ये जो ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ से हम बिल्कुल आसानी से इस पे टिक कर देंगे कि जो शिक्षण है वो एक सामाजिक सोशल वर्क है, और जो अधिगम है वो निजी कृत यानी कि एक पर्सनल वर्क है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। और उसके बाद है दोस्तों इसके अंदर सी और ई, सी देखते हैं शिक्षण बेचने के समान है जबकि अधिगम खरीदने के समान है, ये इन दोनों के अंदर डिफरेंस है दोस्तों। शिक्षण बेचने के समान है, इसे हम कह सकते हैं जैसे हम किसी क्लास के अंदर जाते हैं, स्कूल के अंदर जाते हैं, कोचिंग लेते हैं, तो वो एज ए बेचने के जैसा है, ठीक है। लेकिन अधिगम क्या है, अधिगम खरीदने के जैसा है, हम कुछ सीख रहे हैं वो हमारी रिक्वायरमेंट है, हमें जानना है, हमें सीखना है, तो वो क्या है, वो सीखने के समान है, सीखने के जैसा है, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं ई ऑप्शन पे, ये देखिए शिक्षण अधिगम और शिक्षार्थी की ओर लक्षित है जबकि अधिगम प्राय स्वयं के लिए होता है, ये इसकी बात बिल्कुल सही है दोस्तों। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो अधिगम जो होता है वो हम अपने आप करते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, एक रूम के अंदर कर सकते हैं, लेकिन जो शिक्षण जो होता है वो उसका एक उद्देश्य होता है कि हमें क्या सिखाना है। टीचर जैसे क्लास में आता है तो उसे पहले ही पता होता है कि कौन सा लेसन पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्या करना है आज, ठीक है। तो ये इन दोनों के अंदर डिफरेंस है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, और जो दोस्त कहते हैं ना कि इनमें हम बहुत कंफ्यूज होते हैं, इस तरह के जो मल्टीपल ऑप्शन के जो क्वेश्चन आते हैं इस तरह के, इनमें ज़्यादातर स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको ये लगता है कि इसमें बी भी सही है, सी डी, ये सभी के सभी ऑप्शन सही है, लेकिन नहीं दोस्तों, अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम बिल्कुल आसानी से आंसर दे सकते हैं, ठीक है। और आगे हम देखते हैं दोस्तों आगे कौन सा क्वेश्चन है इसके अंदर, ये देखिए ये हमारा 4 दिसंबर 2019 इवनिंग शिफ्ट का पेपर है, और इसके अंदर ये देखिए क्वेश्चन नंबर 38 इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, नीचे दिए गए विकल्पों में से ऐसे कारकों की पहचान कीजिए जो जो शिक्षण की प्रभाविकता में योगदान नहीं करते, यानी कि जो शिक्षण को प्रभावित नहीं करते वो हमें बताने हैं। तो इसके अंदर ये देखिए ऑप्शन नंबर 4 इन्होंने दिया है, ए बी डी इन्होंने दिया है। अब ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, ए शिक्षक की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, यानी कि ऐसे कौन से कारक है जो हमारी टीचिंग को इफेक्ट नहीं करते, तो इसके अंदर सबसे पहला है शिक्षक की सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि। अगर चाहे वो गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे वो कैसा भी है, तो उसकी जो अमीरी गरीबी और सामाजिक स्थिति है वो उसकी टीचिंग के ऊपर इफेक्ट नहीं डालती, ठीक है। अमीर जो गरीब टीचर है वो भी बहुत अच्छा पढ़ा सकता है। और आगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, छात्रों को प्रसन्न करने में शिक्षक का कौशल। अब ये भी कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों, कोई जैसे हम टीचर देखते हैं ना कि कई टीचर बिल्कुल सीरियस होते हैं, कई मजाक या टीचर होते हैं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि शिक्षक के अंदर छात्रों को प्रसन्न यानी कि मज़ा देने का कौशल होना चाहिए उसके अंदर, ये कोई ज़रूरी नहीं है। और आगे हम बात करते हैं जैसे ऑप्शन नंबर डी,
छात्रों के साथ शिक्षक का व्यक्तिगत संपर्क, ये बात भी जरूरी नहीं है दोस्तों कि शिक्षण के अंदर जो शिक्षक है उसका छात्रों के साथ पर्सनल इंटरेक्शन हो, ये कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ से हम बिल्कुल आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। आगे हम देखते हैं दोस्तों, आगे ये क्वेश्चन किस तरह से रिपीट हुआ है। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। दोस्तों ये आज हमने केवल और केवल एक ही टॉपिक आपको करवाया है, और आगे हम और भी काफ़ी टॉपिक करवाने वाले हैं। जैसे हमने यहाँ पे मार्क किए हुए हैं, ये देखिए, ये जैसे सर्कल किया हुआ, ऐसे हमने बहुत से क्वेश्चन अलग अलग निकाल रखे हैं। हम आपको सभी क्वेश्चन बताएंगे टीचिंग के अंदर ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं। और दोस्तों अगर आपको बहुत अच्छे से स्टडी करनी है जून 2020 एग्जाम में श्योर नेट और जेआरएफ क्वालिफाई होना है, तो आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर दोस्तों हम आपको सभी 10 यूनिट के स्टडी नोट्स देते हैं, सभी वीडियोज़ देते हैं हर टॉपिक के ऊपर, और हम आपको उसके अंदर ये बताते हैं कि हर टॉपिक के अंदर ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको 2012 से लेके दिसंबर 2019 तक जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं, रिसर्च के हमने अलग रखे हैं, टीचिंग के क्वेश्चन अलग हैं और कम्युनिकेशन के अलग हैं, इस तरीके से सभी टॉपिक के क्वेश्चन आपको अलग अलग मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा पेड ग्रुप, तो ज्वाइन कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में मेथड ऑफ टीचिंग, जिसके अंदर हम टीचर सेंटर मेथड और लर्नर सेंटर मेथड के बारे में बात करेंगे। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं दोस्तों, तो ये टॉपिक करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो की शुरुआत हम करते हैं एक क्वेश्चन से करते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आज तक 4 से 5 बार आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है, तो ये हमें बताना है। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, तो उसके अनुसार हम जानेंगे कि इनमें से कौन सी विधि है वो सबसे अच्छी विधि है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं कि शिक्षक केंद्रित जो टीचिंग है वो किस तरीके से होती है। इसमें देखिए, शिक्षक केंद्रित शिक्षण में मुख्य रूप से निम्न शिक्षण विधियों का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले है व्याख्यान विधि, यानी कि लेक्चर देना। ये जो विधि है दोस्तों, ये काफ़ी पुरानी विधि है, काफ़ी सालों से चलती हुई आ रही है और आज भी हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और फिर प्रदर्शन विधि, डेमोन्स्ट्रेशन, समूह शिक्षण, समीक्षा विधि और प्रश्नोत्तरी। अब इनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए, व्याख्यान विधि, ज्ञानात्मक में भावात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु व्याख्यान विधि प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, और जेम्स एम ली के अनुसार व्याख्यान एक शिक्षण विधि है जिसमें शिक्षक किसी विशिष्ट प्रकरण अथवा समस्या पर सावधानी पूर्वक योजना अनुसार तैयार किया गया विवरणात्मक भाषण प्रस्तुत करता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि दोस्तों, एक जैसे टीचर होता है क्लास के अंदर लेक्चर देता है, पढ़ाता है और भाषण देता है, वो क्या है कि पूरा प्रिपेयर होके आता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, व्याख्यान विधि कहते हैं। और इसमें शिक्षक अधिक सक्रिय रहता है, विद्यार्थी निष्क्रिय श्रोता होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो विद्यार्थी जो होता है स्टूडेंट, वो आसानी से सुनता है आराम से बैठ के, और लेकिन जो टीचर है वो काफ़ी एक्टिव रहता है इसके अंदर। और अब देखते हैं इसके अंदर और क्या होता है। ये देखिए, व्याख्यान विधि की कुछ विशेषताएं दी हैं, विशेषताएं आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए, व्याख्यान विधि की कुछ विशेषताएं दी हैं वो यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि संप्रेषण शिक्षण नीति, व्याख्यान कथन विवरण, प्रस्तुतिकरण पर जोर, यानी कि जो हम बता रहे हैं उस पर जोर दे के बताते हैं, कोई भी चीज़ें समझाने के लिए जोर देते हैं। तकनीकों एवं सहायक साधनों का उपयोग, यानी कि काफ़ी जैसे मैप वगैरह भी यूज़ करते हैं हम समझाने के लिए, काफ़ी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। और केंद्रीय उद्देश्य, यानी कि इसके अंदर हमारा एक टॉपिक लेते हैं उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं विशेष रूप से। और शिक्षण सिद्धांत, इसके अंदर क्या सिद्धांत हो सकते हैं। देखिए, इसके अंदर बोले गए शब्दों की प्रभावशीलता, यानी कि हम जो बोल रहे हैं उसके अंदर एक लय, यानी कि एक प्रवाह होना चाहिए, सही तरह से प्रवाह होना चाहिए। उद्देश्य की प्राप्ति, यानी कि जो हम लेक्चर दे रहे हैं उससे हमारा गोल जो हमने डिसाइड किया वो प्राप्त होना जरूरी है। व्यक्तिगत संपर्क, और अच्छा शिक्षण क्या कब हो सकता है, जब हम अच्छे से कम्युनिकेट कर सकें बच्चों को। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें दोस्तों, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। एक एक चीज़ मैं बताऊंगा तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और आज की ये वीडियो हमारी थोड़ी सी लंबी होने वाली है। और आगे दोस्तों, व्याख्यान विधि की कुछ सीमाएं हैं या फिर दोष हम कह सकते हैं, लिमिटेशन कह सकते हैं। ये देखिए, अधिगम का प्राकृतिक साधन नहीं है, सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि अधिगम का ये प्राकृतिक साधन नहीं है। बच्चा अपने आप ऑटोमेटिक तरीके से नहीं सीखता, हम उसे जोर देके सिखाते हैं, उसे भाषण देते हैं और बहुत प्रयास करते हैं सिखाने का, ठीक है। तो इसमें से क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की प्राकृतिक विधि नहीं है, प्राकृतिक साधन नहीं है, इस तरीके से आ सकता है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें समझना ज़रूरी है। अगला क्या है कि ये शिक्षण केंद्रित है, यानी कि जो शिक्षक है, टीचर है, उसको वो हमारा सेंटर पॉइंट होता है, मेन शिक्षण का अधिक बोझ होता है इसके ऊपर। और अकुशल शिक्षक, यानी कि अगर शिक्षक अकुशल होगा तो वो अच्छे से स्टडी नहीं करवा सकेगा। पाठ्य पुस्तक का विकल्प, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास पाठ्य पुस्तक का विकल्प नहीं होता, हमें क्या है कि टीचर को केवल सुनना है, उसकी तरफ देखते रहो देखते रहो देखते रहो। तैयार सामग्री, इसके अंदर क्या है कि सामग्री को तैयार करना पड़ता है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, ये कुछ ऐसी लिमिटेशन है दोस्तों, ये आप सभी पढ़ लेना इसके अंदर। दोस्तों अगर आप चाहे तो बहुत अच्छे से स्टडी करने के लिए हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर हम आपको सभी 10 यूनिट के स्टडी नोट्स देते हैं, थ्योरेटिकल वीडियोज देते हैं, इसके साथ साथ 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर देते हैं विद टॉपिक वाइज क्वेश्चन। जैसे कि आज तक रिसर्च के क्वेश्चन आ चुके हैं वो हमने अलग रखे हैं, टीचिंग के क्वेश्चन अलग करके हैं, कम्युनिकेशन के अलग करके, इस तरीके से सभी 10 यूनिट के जो क्वेश्चन है आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको सभी 10 यूनिट के लाइव मॉक टेस्ट देते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो जल्दी से जल्दी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए। अगला है दोस्तों हमारे पास व्याख्यान तो हमने कर लिया, प्रदर्शन विधि यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन। तब देखिए इसके अंदर क्या होता है, विद्यार्थी एवं शिक्षक दोनों ही सक्रिय रहते हैं। शिक्षण सिद्धांतिक भाग का विवेचन करने के साथ इस नीति द्वारा उसका सत्यापन करता है। यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन विधि के अंदर क्या होता है दोस्तों, टीचर पढ़ा भी रहा है और उसे समझा भी रहा है, एक डेमो दे के समझा रहा है। जैसे कि अगर हम ये बताएं कि हमारे ग्लोब पे अमेरिका कहाँ पे है, जापान कहाँ पे है, तो और वो एक ग्लोब लेके आए और सभी को दिखाए भी, ये देखो यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, सारी चीज़ें प्रैक्टिकली हम दिखाएं। या फिर हम कह सकते हैं कि जैसे हम साइंस के अंदर लैब के अंदर जाके प्रयोग करते हैं, वो दिखाते हुए ये चीज़ इस तरीके से होती है, यानी कि उनका डेमो दे दे के हम दिखाते, तो वो क्या होती है, हमारी प्रदर्शन विधि होती है। और ये जो विधि होती है बहुत ही अच्छी विधि होती है, शिक्षण की बहुत अच्छी विधि होती है। और देखिए क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छे से बच्चा सीखता है, उसमें इंटरेस्ट पैदा होता है और बच्चा उस चीज़ को ज़्यादा लंबे समय तक याद रख पाता है। इसकी विशेषताएँ हम देखते हैं, छोटी कक्षाओं के लिए अधिक उपयुक्त, यानी कि छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी कामयाब होगी। शिक्षण में कम समय लगना, यानी कि इससे क्या है कि जो चीज़ हम बोल के 1000 शब्दों में समझा सकते हैं, वो चीज़ हम फोटो दिखा के हम 5 सेकंड के अंदर समझा सकते हैं, ठीक है। स्वयं देख के सीखना, इससे क्या है कि टीचर खुद भी सीखता है। दृष्टि एवं ज्ञानेंद्रिया अधिक सक्रिय रहना, इससे क्या है कि हमारा जो बच्चे का जो माइंड है वो ज़्यादा एक्टिव रहता, ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाता है। और इसमें निरीक्षण तर्क एवं विचार शक्ति का विकास, इसके अंदर वही है कि इसमें तर्क भी करेगा बच्चा कि ये क्यों होता है, कैसे होता है, और उस पर सोचेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये जो आप विशेषताएँ पढ़ सकते हैं। और ये जो विधि है दोस्तों, ये विधि हमारी काफ़ी उपयुक्त विधि होती है शिक्षण के लिए, सबसे बेस्ट विधि इसे माना गया है। और इसमें कुछ दोष भी हो सकते हैं, जैसे कि हम देखें विद्यार्थियों को संयम प्रयोग करने के अवसर नहीं मिलना। इसके अंदर क्या है कि जो टीचर है पहले खुद करके दिखाता है, उनको बच्चों को नहीं दिया जाता करने के लिए। ठीक प्रकार से प्रयोगों का निरीक्षण नहीं करना, ये कई बार प्रॉब्लम हो सकती है कि जो टीचर है वो अच्छे तरीके से निरीक्षण ना करे उस चीज़ का कि ये जो हम डेमो दिखा रहे हैं वो सही है या गलत है, ये हो सकती है, ये ज़रूरी नहीं है कि होती ही होती है।
शिक्षक द्वारा प्रयोग सफल नहीं होना, कई बार क्या होता है कि जो टीचर कर रहा है वो सही तरीके से डेमो नहीं दिखा पाता, तो उससे क्या है कि बच्चे के दिमाग में एक नेगेटिव इफेक्ट भी जा सकता है। और मौलिकता एवं सृजनात्मकता नहीं होती। मौलिकता यानी कि हमें किस तरीके से क्या करना चाहिए, हमें ज़िंदगी किस तरीके से जीनी चाहिए, मॉरल एजुकेशन जिसे कहते हैं, वो इसके अंदर बहुत कम मिलती है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है हमारे पास समूह शिक्षण, यानी कि टीम टीचिंग किस तरीके से होती है, इसमें क्या क्या होता है। समूह शिक्षण में दो या दो से अधिक शिक्षक एक ही समय में बच्चों को ज्ञान देते हैं, ठीक है। और इसमें हो सकता है एक शैक्षिक सिद्धांत बातों का जिक्र करें तो दूसरा शिक्षक बच्चों को व्यवहारिक रूप से समझाए। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हो सकता है कि क्लास के अंदर तीन टीचर हो, ठीक है, तीन टीचर हो सकते हैं। एक टीचर क्या है कि एक टीचर थियोरेटिकल पढ़ा रहा है, और दूसरा टीचर क्या है कि उसका डेमो दे रहा है, और तीसरा टीचर हो सकता है ये बताए कि इसमें से किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक से ज़्यादा शिक्षक मिल के, टीचर मिल के बच्चों को पढ़ाते हैं और एक ही टाइम पे पढ़ाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, टीम टीचिंग कहते हैं। और इसके लाभ क्या होते हैं, इस विधि में बच्चों द्वारा सबसे अधिक विषयों को साझा किया जाता है, यानी कि इसमें कई विषय आ सकते हैं, कई विषय भी आ सकते हैं एक साथ। इसमें काफ़ी तरह के उपकरण और शिक्षण तकनीकों का उपयोग किया जाता है। और आगे हम देखते हैं कि इसके ज़रिए शिक्षण में काफ़ी सुधार किया जा सकता है। और इसकी हानियाँ क्या है, इसमें अधिक शिक्षकों की आवश्यकता होती है, ठीक है। अभी टीम टीचिंग करेंगे तो ज़्यादा टीचर हमें ज़रूरत पड़ेंगे। इसमें यह विधि सभी विषयों को पढ़ाने में उपयोगी नहीं है, ठीक है। हो सकता हम कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें टीम टीचिंग कर सकते, लेकिन कईयों में हर किसी में हम नहीं कर सकते। इस विधि में विशेष ज्ञान वाले शिक्षक की आवश्यकता होती है। देखिए जब हम टीम टीचिंग करेंगे तो हमारे लिए ये होना चाहिए कि जो टीचर हम बुला रहे हैं उनको बहुत अच्छी नॉलेज हो। इस विधि में योजना निर्माण और निर्धारण में काफ़ी समय लगता है, ठीक है। इसमें हमें काफ़ी टाइम लगता है, हमें डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा टीचर क्या बात बताएगा, उसके बाद क्या बात बतानी है, यानी कि काफ़ी मैनेजमेंट लगती है इसके अंदर। अब आता है दोस्तों हमारे पास सूक्ष्म शिक्षण, यानी कि माइक्रो टीचिंग। अब देखिए माइक्रो टीचिंग के अंदर क्या होता है, सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण प्रशिक्षण की प्रयोगात्मक विधि है। सूक्ष्म शिक्षण कम समय में अधिक लाभान्वित करने का तरीका है। इसमें अध्ययन की एक इकाई और एक कौशल का प्रयोग कर, देखिए मैं आपको आसानी से समझाता हूँ, आप हिंदी पढ़ लेना बाद। इसमें क्या होता है कि हम एक छोटे लेवल पे बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिसके अंदर एक छोटा ग्रुप हो जो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको समझ सके, ठीक है। अब देखिए इसमें हम कुछ इसकी चीज़ें देखते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान के चलते हैं कि क्लास के अंदर 10 बच्चे हैं, उन 10 बच्चों को जब हम पढ़ाएंगे और एक एक बच्चे पे ध्यान देंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, सूक्ष्म शिक्षण कहेंगे। अब ये देखिए ये लिखा हुआ है कि विद्यार्थियों के एक छोटे समूह को पढ़ाता है जब अब देखिए इसमें उद्देश्य क्या होता है, एक टीचर प्रशिक्षु को सीखने और नए शिक्षण कौशल को नियंत्रित परिस्थितियों में आत्मसात करने योग्य बनाता है। एक टीचर प्रशिक्षु को कई शिक्षण कौशल में योग्य बनाता है। अब देखिए प्रशिक्षु होता है जो बच्चा होता है, जो सीख रहा होता है, उसकी हम बात कर रहे हैं। अब देखिए जब हमारा ग्रुप छोटा होगा, सूक्ष्म शिक्षण करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा कि उसकी स्किल है, बच्चे की स्किल वो ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। तो ये एक छोटी छोटी चीज़ें दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। वो पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा शिक्षण है जिसके अंदर बच्चे की शिक्षण कौशल को बढ़ावा दिया जाता है, तो वो होगा हमारा सूक्ष्म शिक्षण होगा। इसमें से भी क्वेश्चन आए हैं पहले, ठीक है। और आगे हम देखते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र, ये साइकिल, माइक्रो टीचिंग साइकिल किस तरीके से होता है। देखिए सबसे पहले पाठ योजना लेसन प्लानिंग की जाती है, उसके बाद उसकी टीचिंग की जाती है, उसके बाद फीडबैक लिया जाता है बच्चों से, और फिर दोबारा क्या, फीडबैक लेने के बाद दोबारा फिर लेसन पढ़ाया जाता है, री लेसन प्लानिंग दोबारा से प्लानिंग की जाती है, फिर री टीचिंग जो हमने दोबारा प्लान बनाया उसको दोबारा पढ़ाते हैं और फिर दोबारा से फीडबैक लेते हैं। तो ये हमारा माइक्रो टीचिंग साइकिल होता है दोस्तों, इस चीज़ को आप ध्यान में रखना है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं क्या क्या होती है,
ये हम पढ़ लेते हैं। ये देखिए इसमें क्या है कि इसमें जो सीखने वाले हैं उनकी संख्या 5 से 10 के बीच हो सकती है। इनकी अवधि है वो भी कम ही होगी दोस्तों, 5 से 10 मिनट के बीच में इसकी रखी जाएगी। वास्तविक छात्रों की जगह अधिकांश सहपाठियों की छात्र की भूमिका अभिनीत करती है। इसमें और भी काफ़ी तरह की बातें लिखी गई है दोस्तों, आप पढ़ लेना इनको, क्योंकि वही है कि अगर मैं एक एक बात बताने लगा दोस्तों तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी। अब देखिए आगे आता है हमारे पास समीक्षा विधि यानी कि चर्चा विधि, जिसके अंदर हम डिस्कशन करते हैं। समूह शिक्षण व्याख्यान विधि, इन सभी अवलोकन करने को समीक्षा विधि कहा जाता है। इसके अंदर क्या करते हैं कि हम एक दूसरे के साथ डिस्कशन करते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा है, किस तरीके से होना चाहिए, और किसी भी विषय के ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, समीक्षा विधि। हम देखते हैं कि क्या कमी रही है और क्या अच्छी बातें रही हैं किसी भी टॉपिक के अंदर। अगला आता है हमारा प्रश्नोत्तरी विधि। इस विधि को सुकरात विधि के नाम से भी जाना जाता है। इसमें विशेष रूप से 3 बातों पर ध्यान दिया जाता है, प्रश्न निर्माण, प्रस्तुतिकरण, बच्चों द्वारा ही नवीन ज्ञान देना। ठीक है, तो प्रश्नोत्तरी विधि के अंदर क्या होता है दोस्तों, जब हम प्रश्न पूछते हैं किसी बच्चे से तो उसे हम कहते हैं प्रश्नोत्तरी विधि। और इसके अंदर क्या है कि बच्चों द्वारा ही ज्ञान देना इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ध्यान देना इस बात पे। हम प्रश्न पूछते हैं और बच्चा हमें उत्तर देता है, ठीक है, तो बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा हमें ज्ञान दे रहा है, तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये प्रश्न में पूछी जा सकती है। ठीक है, उसके बाद है इसमें उद्देश्य भी देख सकते हैं, पूर्व ज्ञान को जांचना, हमने जो पढ़ाया हम देखें प्रश्न पूछ के कि बच्चों ने कितना क्या कुछ सीखा है, अभी प्रेरणा जागृत करना यानी कि उनको आगे बोलने के लिए प्रेरित करना, ये हम कह सकते हैं। कठिनाई जानना, हमें ये पता करना कि बच्चों को कितनी क्या कठिनाई आ रही है। ज्ञान का प्रयोग करना, तो काफ़ी तरह की चीज़ें इन्होंने यहाँ पर दी हुई है, आप देख लेना। उसके बाद है दोस्तों, अब देखिए अब है हमारे पास ग्रुप डिस्कशन मेथड। हमने पहले किया था डिस्कशन मेथड यानी कि समीक्षा विधि की थी, अब है हमारे पास ग्रुप डिस्कशन मेथड। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, काफ़ी एक ग्रुप बना लिया जाता है बच्चों का, 10 से 12 बच्चों का ग्रुप बना लिया जाता है, और उसके अंदर हम उनको कहते हैं कि आप बात कीजिए, आप करके देखिए कि कोई भी समस्या है उस पर डिस्कशन करके देखिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्रुप डिस्कशन कहते हैं। और इसके अंदर 2 टीम भी हो सकती है, जैसे 5-5 लोगों की होगी, वो एक दूसरे के साथ डिबेट करें। ठीक है, तो इस तरीके से हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। देखिए टाइप इसने यहाँ पे दिए कि डिबेट हो सकते हैं, सिंपोजियम हो सकता है, पैनल डिस्कशन होता है हो सकता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो सकता है। अभी देखिए ब्रेनस्टॉर्मिंग हम करेंगे, इसमें से भी क्वेश्चन आए हैं, तो काफ़ी तरह से हो सकती है जो ग्रुप डिस्कशन है वो हमारी। मेरिट ऑफ ग्रुप डिस्कशन यानी कि इसकी जो विशेषताएं हैं वो क्या है, स्पष्टीकरण, इससे क्या है कि कोई भी जो विषय है वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि 5 से 10 जो बच्चे होते हैं वो बता देते हैं इसमें तो ये कमी है, इसमें ये कमी है, इसमें ये अच्छाई है, तो वो क्या है कि स्पष्ट हो जाता है। चिंतन विकास, हमारे सोचने समझने की जो शक्ति है वो विकसित हो जाती है। अज्ञात की खोज, जो चीज़ हमें अभी तक नहीं पता है वो हमें पता चल जाती है। ज्ञान एवं चिंतन का विकास, हमारे ज्ञान और सोचने समझने की शक्ति विकसित होती है, यही बात मैंने आपको ऊपर भी बता दी है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आप पढ़ लेना, इसमें से आपको PDF दे दी जाएगी। दोष और सीमाएं इसके अंदर हो सकती है, सभी इकाइयों के अनुकूल नहीं है, यानी कि सभी विषय पर हम इसको लागू नहीं कर सकते। भटकने के अवसर, ये बिल्कुल सही है, हो सकता है कि हमारे जब डिस्कशन चल रही है तो कोई और बात निकल के आ जाए, कोई धार्मिक आ जाए, कोई राजनीतिक बात आ जाए, तो हम क्या है कि विषय से भटक सकते हैं। इसके अंदर एकाधिकरण यानी कि इसके अंदर एक विषय पे हम फोकस करके नहीं चल सकते, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है इसके अंदर। गुटबंदी भी हो सकती है इसके अंदर। देखिए हम किसी चीज़ को जो हमें लगता है ये सही है तो उसको सिद्ध करने के लिए क्या है कि हम गलत चीज़ भी बोल सकते हैं। ठीक है, वो कहते ना कि ईगो, अपनी ईगो रखने के लिए हम गलत चीज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, और आगे हम देखते हैं दोस्तों, आगे है हमारे पास ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब देखिए ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना है। देखिए इसको सबसे पहले किसने विकसित किया था, एस बोर्न ने 1963 के अंदर विकसित किया था। इसको सरल भाषा में विचार मंथन भी कहा जाता है, यह एक रचनात्मक समूह कार्य है, इसमें समूह के सदस्य किसी समस्या पर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं।
इसमें बच्चों के सामने एक समस्या होती है जिस पर सभी बच्चे अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं। इस दौरान उनमें वाद विवाद भी हो सकता है। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है कि बच्चों के सामने एक समस्या दे दी जाती है और उस समस्या पर जो बच्चे हैं वो अपने अपने विचार विमर्श रखते हैं, डिस्कशन करते हैं और उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं। और बच्चों को क्या है कि एक रैपिडली यानी कि जल्दी जल्दी बोलने के लिए बोला जाता है कि आप जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, यानी कि एक बहुत अच्छे तरीके से इसको मैनेज किया जाता है ताकि किसी भी समस्या का समाधान है वो बच्चे खोज के निकाले। तो उसे हम क्या कहते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड कहते हैं, जिसके अंदर बच्चों के सामने एक समस्या रखी जाती है और बच्चे ही उस समस्या का समाधान करते हैं जल्द से जल्द। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। और इसके अंदर क्या होता है कि शिक्षक सभी के पॉइंट्स को किसी बोर्ड या कागज़ पर लिखता है, सभी लोगों की समस्या का हल निकालने की कोशिश करता है। अब देखिए जैसे 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चों ने क्या क्या पॉइंट बताए वो सभी उनके सामने लिखता है बोर्ड के ऊपर, भाई इसने ये बताया और उसके बाद एक निष्कर्ष निकालने की कोशिश की जाती है। अब देखिए इसके क्या क्या चरण हो सकते हैं ये देख सकते हैं हम, समस्या का नियोजन, समस्या का उपचुनाव, समस्या के संबंध में योजना है, दोस्तों ये गलत हो गया, साधनों का चयन, आंकड़ों का एकत्रीकरण। ठीक है, काफ़ी तरह की बातें इसके अंदर हो सकती है, आप ये पढ़ लेना। उसके बाद है दोस्तों लाभ, हम देख सकते हैं क्या क्या हो सकते हैं, ध्यान उत्तेजित करना यानी कि अटेंशन लेके आना, ठीक है, अभिरुचि का विकास, इंटरेस्ट विकसित करना उनके अंदर, कल्पना का विकास, सोचने से जो वही है कि सोचने की जो शक्ति है वो विकसित करना, विचारों का विकास। ठीक है, देखिए दोस्तों आगे आती है हमारे पास व्यक्तिगत शिक्षण विधि यानी कि इंडिविजुअल टीचिंग मेथड। इसके अंदर देखिए दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि टीचर जो है स्पेशल एक एक बच्चे पे ध्यान देता है, अलग अलग बच्चे पे ध्यान देता है। हम कह सकते हैं कि जैसे मान के चले गए कोई बच्चा ट्यूशन पढ़ने के लिए जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअल टीचिंग मेथड कहते हैं। उसके अंदर एक बच्चा होता है और एक ही बच्चे पे जो टीचर है वो फोकस करता है। ये हो सकता है स्कूल के अंदर भी हो सकता हो, मान के चले कि किसी बच्चे को अच्छे से समझ में ना आया हो और टीचर कह दे भाई आधी छुट्टी हो, जब रिसेस हो तब आप आ जाना, मैं आपको समझा दूंगा। तो यानी कि अलग से व्यक्तिगत रूप से समझाना उसे हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअल टीचिंग मेथड कहते हैं। ठीक है, और इसकी कुछ यहाँ पे विशेषताएं दी है ये आप पढ़ लेना दोस्तों, और यहाँ पे कुछ दोष भी दिए वो भी आप पढ़ लेना। और उसके बाद है दोस्तों स्वतंत्र अध्ययन नीति यानी कि ओपन लर्निंग। इसके अंदर क्या होता है कि प्रोजेक्ट वर्क, विद्यार्थी छोटे छोटे समूह में कार्य करना, स्वतंत्र रूप से समस्या को हल करना, व्यक्तिगत गुणों का विकास। यानी कि इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है ओपन लर्निंग, यानी कि इसमें बच्चा स्वतंत्र रूप से रह के काम करता है, उसे बस टीचर ही बता देता भी तेरे को ये पढ़ना है, उसके बाद बच्चा अपने तरीके से बुक पढ़ता है, अपने तरीके से उस पर एक्सपेरिमेंट करके देखता है, यानी कि हर काम अपने तरीके से करता है, टीचर उसको इंस्ट्रक्शन नहीं देता कि तुम्हें ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, स्वतंत्र रूप से करता है। और इसके अंदर भी कई तरह की बातें हैं, जैसे समझ विकसित होना, आदत विकसित करना, यानी कि जब बच्चा, देखिए बच्चा जब खुद करने लगेगा 2-4 बार तो उसे खुद आदत पड़ जाएगी अच्छे से पढ़ने की, और जो बच्चा ऐसा कर लेगा उसकी टीचिंग बहुत अच्छी होगी अपने आप में, क्योंकि जो बच्चा खुद समझदार हो खुद पढ़ने के लिए तो उसे फिर टीचर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, वो अच्छे से पढ़ सकता है। ठीक है, देखिए आगे है दोस्तों हमारे पास हुरिस्टिक शिक्षण, हुरिस्टिक मेथड। इस मेथड के अंदर क्या होता है दोस्तों, ये मेथड भी काफ़ी बार क्वेश्चन में आया है तो ये भी हमें पता होना चाहिए। इसके अंदर क्या करते हैं कि बच्चा अपने आप खोजबीन करके सीखता है, इस शिक्षण में अध्यापक की सहायता और परामर्श की ज़रूरत नहीं पड़ती, बच्चा खुद ही समस्या का समाधान निकालता है। इस विधि में अध्यापक बच्चों की समस्या के लिए प्रश्न दे देता है और वहाँ से हट जाता है जब बच्चा उसको हल खोजते हैं। अब देखिए इसके अंदर वही बात है मैंने थोड़ी सी पहले भी बताई थी कि इसके अंदर क्या है कि बच्चों को समस्या दे दी जाती है और समस्या देने के बाद टीचर है वो वहाँ से चला जाता है और बच्चे खुद उसका हल खोजने की कोशिश करते हैं, खुद तरीके लगाते हैं कि किस तरीके से ये हो सकती है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, ह्यूरिस्टिक मेथड कहते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आप
एक बार देख लेना, इंग्लिश हिंदी में हमने यहाँ पे दिया है। और आगे बात आती है दोस्तों, हमारे पास दो और टीचिंग मेथड रह जाते हैं, इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड। अब देखिए, इंडक्टिव यानी कि आगमन विधि के अंदर हम देखते हैं क्या होता है। आगमन विधि में हम पहले बच्चे को उदाहरण देते हैं, ठीक है, बच्चे को पहले हम उदाहरण देते हैं, बच्चे को प्रत्यक्ष अनुभव तथा उदाहरण अच्छी तरह से समझाया जाता है। यानी कि इसके अंदर सबसे पहले बच्चों को उदाहरण दिया जाता है, उदाहरण दे के फिर कोई दूसरी चीज़ समझाई जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आगमन विधि कहते हैं। ठीक है, यह विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है, प्राथमिक स्तर पर ही सबसे अच्छी विधि है। ये देखिए, ये सबसे अच्छी विधि भी मानी जाती है, क्योंकि इसके अंदर बच्चे को पहले आराम आराम से उदाहरण दिया जाता है, ये चीज़ ऐसे होती है, तो उसके बाद कोई नई चीज़ सिखाई जाती है। और आगे आते हैं दोस्तों, हमारे पास निगमन विधि, इस डिडक्टिव मेथड। इसके अंदर क्या होता है, इस विधि में पहले नियम बताया जाता है, ठीक है, ये आगमन विधि की उल्टी है। इसके अंदर पहले नियम बताया जाता है, बच्चा नियमों को आत्मसात करके तेज़ी से सीख लेता है, यानी कि नियम है, नियम को सीख लेता है और उसके बाद में कोई नई चीज़ सीखने का प्रयास करता है। और गणित और व्याकरण में यह विधि सबसे ज़्यादा सफल होती है। अब देखिए, जब मैथमेटिकल क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले हमें नियम यानी कि फॉर्मूला बताया जाता है, ये जो क्वेश्चन है इस तरीके से होगा, सबसे पहले हमें फॉर्मूला बताया जाएगा, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। यह विधि सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है, यह विधि उच्चतर स्तर पर अपनाई जाती है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन दिखाने वाला हूं जो डिट्टो कॉपी रिपीट हुआ है और इसका आंसर हमेशा एक ही आया है। देखिए, ये हमारा सितंबर 2013 का क्वेश्चन पेपर है और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 42 देखिए यहां पे, और इसको हम इंग्लिश में भी देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है यहाँ पर, ये देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग। तो इन्होंने जो आंसर दिया है, आंसर 3C दिया है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यहाँ पे दिया है। अब हम आगे देखते हैं यही क्वेश्चन किस तरह से रिपीट हुआ है, डिट्टो कॉपी। ये देखिए, ये जून 2014 का क्वेश्चन पेपर है और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से शिक्षण का सर्वोत्तम ढंग कौन सा है। यहाँ पे इन्होंने आंसर सी दिया है, निरूपण। निरूपण का इंग्लिश के अंदर हम देखते हैं दोस्तों, ये देखिए 45 नंबर क्वेश्चन है और यहाँ पे इन्होंने आंसर दिया है डेमोन्स्ट्रेशन, सी यहाँ पे दिया है। और आगे हम देखते हैं यही क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो कॉपी किस तरह से रिपीट हुआ है। ये देखिए, ये दिसंबर 2014 का क्वेश्चन पेपर है और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 51 देखिए यहाँ पे, और इसका जो हिंदी में आंसर दिया है यहाँ पे, आंसर नंबर बी, ये देखिए निदर्शन विधि है। और इसको हम इंग्लिश में देखते हैं, ये देखें दोस्तों 51 नंबर क्वेश्चन है इंग्लिश के अंदर, यहाँ पे इन्होंने आंसर जो दिया है बी, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। ठीक है दोस्तों, तो आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं कि किस तरह से डिट्टो कॉपी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ऐसे कौन से क्वेश्चन जो 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक टीचिंग एप्टीट्यूड में रिपीट हुए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल निमिजी नेट प्रो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को आसानी से देख सके। जानते हैं ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं और टॉपिक है जो 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक रिपीट हुए हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये नोट्स दिखा देता हूँ। ये देखिए, मेथड ऑफ टीचिंग में से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। मेथड ऑफ टीचिंग काफ़ी तरह के होते हैं दोस्तों, ये हमने नोट्स बना रखे हैं यहाँ पे, आप बिल्कुल आसानी से इसके बारे में पढ़ सकते हैं। और मेथड ऑफ टीचिंग के बारे में दोस्तों, हमने पहले वीडियो भी बना रखे हैं, उसके अंदर हमने जितने भी मेथड ऑफ टीचिंग है वो सभी अच्छे तरीके से समझा रखे हैं। और इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ कि मेथड ऑफ टीचिंग में से किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। सबसे पहले दोस्तों, ये देखिए, सितंबर 2013 में क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है, ये हमें बताना है। तो इसका आंसर है दोस्तों निदर्शन विधि। और निदर्शन को जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि इंग्लिश में इसको हम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड कहते हैं, यानी कि डेमो करके किसी को हम दिखाते हैं स्टूडेंट को, जिससे बच्चा बहुत अच्छे तरीके से समझ पाता है टीचिंग को। तो ये जो है शिक्षण की काफ़ी अच्छी विधि मानी जाती है, और इसको हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए, यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग। तो इसका आंसर है दोस्तों डेमोन्स्ट्रेशन मेथड।
ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना, और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, मैं आपको धीरे धीरे आगे दिखाने वाला हूँ। और आगे देखते हैं दोस्तों, यही क्वेश्चन किस तरह से रिपीट हुआ है टीचिंग मेथड में से। ये देखिए, ये जून 2014 का क्वेश्चन पेपर है, और इन्होंने दोबारा 45 नंबर क्वेश्चन पूछ लिया, निम्नलिखित में से शिक्षण का सर्वोत्तम ढंग कौन सा है। तो यहाँ पे इन्होंने दिया दोस्तों निरूपण। अब देखिए दोस्तों, हिंदी के अंदर एक ही नाम को अलग अलग तरीके से बोला जा रहा है यहाँ पे, लेकिन इंग्लिश के अंदर हम एक नाम को एक ही तरीके से बोलते हैं। देखिए जैसे डेमोन्स्ट्रेशन, तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पता होना चाहिए किसे क्या कहते हैं, अगर आपको नेट और जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो, क्योंकि हिंदी के जो नाम है दोस्तों वो हमें कन्फ्यूज़ कर सकते हैं। और आगे देखते हैं दोस्तों किस तरह से रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। ये देखिए, ये दिसंबर 2014 का क्वेश्चन पेपर है, और इसके अंदर इन्होंने यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता किसके द्वारा संभव है, यानी कि किस मेथड के अंदर जो स्टूडेंट है ज़्यादा इंटरेक्शन करते हैं, ज़्यादा घुल मिलते हैं, वो हमें बताना है। तो यहाँ पे इन्होंने दिया है आंसर नंबर बी, निदर्शन पद्धति यहाँ पे दी है। निदर्शन का मतलब भी दोस्तों डेमोन्स्ट्रेशन होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने इंग्लिश हिंदी में दिए हुए हैं दोस्तों, हमने जितने भी क्वेश्चन है वो इंग्लिश हिंदी में दिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग टीचिंग इज़ पॉसिबल थ्रू, यहाँ पे इन्होंने आंसर नंबर बी दिया है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड दिया है। तो दोस्तों हमें सभी मेथड के बारे में पता होना चाहिए अगर हमें नेट और जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो, और इसके लिए दोस्तों आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसके अंदर हम आपको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करवाते हैं, उसमें हम आपको ओल्ड पेपर देते हैं और जितने भी स्टडी नोट्स हैं पेपर फर्स्ट के वो हम आपको देते हैं। और दोस्तों आगे देखते हैं हम यही क्वेश्चन किस तरह से रिपीट हुआ है। और दोस्तों मैंने काफ़ी तरह की वीडियोस बना रखे हैं जिसके अंदर मैंने आपको बताया है कि किस तरह से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो जल्दी से वो वीडियो देखिए, क्योंकि वो सभी वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और आगे हम देखते हैं दोस्तों यही क्वेश्चन किस तरह से रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन दोस्तों हमारा अब रिपीट हुआ है, जून 2019 का जो एग्ज़ाम है उसके अंदर रिपीट हुआ है। रुकिए मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, और जो क्वेश्चन पेपर है दोस्तों आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों करने चाहिए ओल्ड पेपर। ये देखिए दोस्तों, ये 21 जून 2019 इवनिंग शिफ्ट का पेपर है, और इसके अंदर ये देखिए यहाँ पे इन्होंने जो मिलान करने वाला क्वेश्चन होता है वो यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे इन्होंने सभी विधियाँ दे दी, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, प्रयोजन विधि, सहयोगात्मक विधि, यहाँ पे हमें इनको मिलान करना है। और दोस्तों इन सभी विधियों के बारे में मैंने आपको पीछे एक वीडियो में अच्छे तरीके से बताया, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो वो वीडियो आप देख लीजिए। और आगे हम देखते हैं दोस्तों यही क्वेश्चन किस तरह से आगे रिपीट हुआ है। और मैं आपको बता रहा था कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आप पेपर सेकंड भी ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर कीजिए दोस्तों अगर आपको नेट और जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो। और आगे हम देखते हैं दोस्तों यही क्वेश्चन किस तरह से रिपीट हुआ। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे 1 मिनट, ये है, हाँ ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। देखिए यहाँ पे इन्होंने फिर से मिलान करने वाला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है। यहाँ पे देखिए, सहकारी विधि, सहयोगात्मक विधि, और यहाँ पे देखिए टीम शिक्षण आ गया, रचनात्मक विधि आ गया, ठीक है, ये सारी विधि यहाँ पे दी गई है। और यहाँ पे ये देखिए, जैसे ये नोट्स है यहाँ पे इन्होंने हमने बताया हुआ है समूह शिक्षण क्या होता है, व्याख्यान विधि कौन सी होती है, और काफ़ी तरह की विधियाँ हमने यहाँ पे बताई हुई है, सारी विधियाँ यहाँ पे हमने बताई हुई है। तो इस ये देखिए, जैसे समूह शिक्षण आ गया और व्याख्यान प्रदर्शन विधि आ गया, ठीक है। तो मैं आपको बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि आप हमारी पिछली वीडियो देखें, उसके अंदर आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ये सारी जो विधियाँ है हमने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आपको बता रखी है, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखना। तो आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अगर हमें ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर में से पता चल जाए ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, तो दोस्तों हम बिल्कुल आसानी से नेट और जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। और आगे हम देखते हैं दोस्तों आगे किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुआ है इसमें से। दोस्तों आपने देखा कि ये क्वेश्चन 2012 से ले दोस्तों हमने देखा ये क्वेश्चन 2013 से लेके दिसंबर दो दोस्तों हमने यहाँ पे देखा कि ये क्वेश्चन 2013 से लेके दोस्तों हमने देखा ये दोस्तों हम
दोस्तों हमने देखा कि किस तरह से ये क्वेश्चन 2013 से लेके जून 2019 तक रिपीट हुआ है। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना दिसंबर 2019 में नहीं आया है, तो इसका मतलब ये है कि अभी जो अपना एग्ज़ाम होने वाला है जून 2020 का एग्ज़ाम होने वाला है उसके अंदर डेफिनेटली ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ये आप टॉपिक अच्छे तरीके से कर लेना। और दोस्तों अगर किसी भी दोस्त को कोई प्रॉब्लम है इस टॉपिक के अंदर, कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमें अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, हम आपके सभी सवालों का जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल निमिजी नेट प्रो को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसके अंदर हम आपको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करवा रहे हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर अलग अलग तरह के ऑनलाइन टीचिंग मेथड के बारे में, जिसके अंदर मुख्य रूप से स्वयं एवं स्वयं प्रभा MOOC के बारे में पूछा जाता है और इनमें से आगे भी क्वेश्चन आने की संभावना है। तो इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों सबसे पहले हम एक छोटी सी माफ़ी मांगना चाहते हैं। ये देखिए फॉन्ट चेंज हो जाते हैं जब हम PDF कन्वर्ट करते हैं, तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इस सॉफ्टवेयर के अंदर। और अब हम बात करते हैं दोस्तों स्वयं पोर्टल के बारे में। देखिए सबसे पहले इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर सबसे पहले हमें इसकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इसकी फुल फॉर्म हम देख लेते हैं, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग स्प्रिंग माइंड। ठीक है, ये हमें फुल फॉर्म पता होना चाहिए और हर एक शब्द का पता होना चाहिए कि क्या मतलब निकल रहा है। ये जो क्वेश्चन है जून 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर आया था। तो जो भी आप टर्म याद कर रहे हैं तो उसकी फुल फॉर्म हमें पता होना ज़रूरी है। अब हम देखते हैं स्वयं पोर्टल के बारे में पूरी जानकारी। अगर आप इसका इंटरफेस देखना चाहिए, इसकी वेबसाइट इस तरीके से बनाई हुई है, भारत सरकार ने, ये आप वेबसाइट देख सकते हैं। और अब देखते हैं ये क्या मतलब है, ये क्या करता है। स्वयं पोर्टल भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD जिसे कहते हैं और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन द्वारा माइक्रोसॉफ्ट की मदद से तैयार किया गया एक ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल है। दोस्तों यहाँ पे ये याद रखना ज़रूरी है कि स्वयं पोर्टल किसके द्वारा बनाया गया, यानी कि MHRD के द्वारा बनाया गया और किसकी सहायता से, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन और माइक्रोसॉफ्ट की मदद से ये बनाया गया है, ये क्वेश्चन आ सकता है। और अब देखिए स्वयं पोर्टल जो है इसकी घोषणा कब की गई थी, 1 फरवरी 2017 को की गई थी और जिसको 9 जुलाई 2017 को तत्कालीन राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने लॉन्च किया था, ये हमें पता होना चाहिए। और इसके बाद में एक इम्पोर्टेंट चीज़ आती है हमारे पास, स्वयं पोर्टल को शिक्षा नीति के तीन आधारभूत सिद्धांत क्या है, पहुंच यानी कि एक्सेस, फिर निष्पक्षता यानी कि इक्वलिटी और फिर गुणवत्ता क्वालिटी। ठीक है, तो ये जो तीन आधारभूत सिद्धांत है इसी को बेस में, इसी को ध्यान में रखते हुए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था। तो ये तीनों के तीनों आपको याद होने चाहिए, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। और इसकी विशेष बातें क्या हैं वो देख लेते हैं। स्वयं एक ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल है जो विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क है, इसलिए स्वयं पोर्टल पर उपलब्ध कोर्स भी निःशुल्क है, यहाँ पे फ्री में कोई भी बच्चा आके पढ़ सकते हैं ऑनलाइन। इस पर 9वीं से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक के कोर्स उपलब्ध है, ये हमें पता होना चाहिए कि इसमें कहाँ से लेकर कहाँ तक कोर्स उपलब्ध है। उसके बाद में जो अब देखते हैं कि उसके बाद में क्या है, जो छात्र प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो वो कुछ फीस देकर यहाँ से अपना सर्टिफिकेट ले सकते हैं। स्वयं पोर्टल पर उपलब्ध पाठ्यक्रम के 4 भाग हैं, वीडियो व्याख्या खासतौर से तैयार की गई है। इसमें क्या है कि मुख्य रूप से जो वीडियो है वो हम अच्छे से देख सकते हैं और जो PDF है वो हम डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अंदर अगर हम कोई क्वेश्चन आंसर करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। और इसके अंदर एक जो टेस्ट भी होता है कोर्स पूरा होने के बाद में। ठीक है, और उसके बाद में क्या है कि
यह भारत सरकार के द्वारा डिजिटल इंडिया के अंतर्गत उन सभी छात्र छात्राओं को शिक्षा प्रदान करने का माध्यम बनाया गया है जो अपनी माध्यमिक, वरिष्ठ माध्यमिक या उच्च शिक्षा पूरी नहीं कर सके, यानी कि किसी कारणवश जो आगे कॉलेज में नहीं जा सके, उनके लिए ये पोर्टल खास तौर से बनाया गया है। और इसके अंदर और भी कई चीज़ें हैं, जैसे इसी के लिए MHRD और AICTE। अब देखिए, AICTE इसकी फुल फॉर्म पहले आ चुके हैं दोस्तों। होना बात करते हैं स्वयं प्रभा की। अब देखिए, यहाँ पे दो तरह की चीज़ें हैं, एक तो है स्वयं प्रभा और एक स्वयं पोर्टल। इन दोनों के बारे में हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं स्वयं प्रभा की। सबसे पहले स्वयं प्रभा क्या है? ये 32 DTH चैनल का एक समूह है जिसके अंदर हमें एक सीरियल की तरह एजुकेशन दी जाती है। जैसे TV सीरियल आते हैं हमें हमारे पास, उसी तरीके से हमें एजुकेशन दी जाती है। इसके अंदर क्या होता है कि एक दिन में 4 घंटे हमें सिखाया जाता है और एक दिन में टोटल 6 बार टेलीकास्ट किया जाता है। और इसके अंदर मुख्य रूप से आर्ट, साइंस, कॉमर्स, सोशल साइंस जैसे विषय पढ़ाए जाते हैं। और भी विषय यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। और जो हमारा स्वयं पोर्टल था दोस्तों, उसके अंदर क्या था, उसके अंदर हमारी एक वेबसाइट थी। उस वेबसाइट पे हम एजुकेशनल कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ से वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, PDF स्टडी नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और सर्टिफिकेट वगैरह ले सकते हैं। तो ये थोड़ा इसके अंदर फ़र्क है, ये हमें पता होना चाहिए। और भी इसके अंदर काफ़ी तरह की चीज़ें हैं दोस्तों, आप पढ़ सकते हैं इसके अंदर। ये देखिए, हम बता देते हैं आपको स्वयं प्रभा के बारे में, और भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है दोस्तों, आप पढ़ सकते हैं। वही सारी चीज़ है, कॉमन चीज़ें जो मैंने आपको बता रखी कि 32 DTH TV चैनल है और इसके अंदर 4 घंटे प्रसारित होता है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं आसानी से। और अब बात करते हैं दोस्तों हम MOOC। अब देखिए, MOOC का फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। इसका मतलब है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स होता है। और इसका इंटरफेस आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से इसका इंटरफेस यहाँ पे दिया हुआ है। और इसके अंदर भी क्या है दोस्तों कि इसके अंदर जो लोग दूर बैठे हुए हैं, यानी कि जो दूर दराज के क्षेत्र में है, यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते, वो लोग यहाँ से अपना कोर्स है वो कर सकते हैं। और इसके अंदर जो है मुख्य रूप से जो उच्च शिक्षा दी जाती है, और इसके अंदर जो स्ट्रीम है वो विज्ञान है, प्रौद्योगिकी है, इंजीनियरिंग है, चिकित्सा है, इस क्षेत्र के जो लोग हैं वो आसानी से यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है दोस्तों, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि MOOC में किस क्षेत्र में शिक्षा दी जाती है, ये हमें पता होना ज़रूरी है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं शिक्षण सहायक प्रणाली के बारे में, यानी कि किस किस तरीके से पढ़ाया जा सकता है, क्या विधि हो सकती है पढ़ाने की, वो हम देखते हैं। ये देखिए, ट्रेडिशनल बेस, यानी कि जो लगातार चलता हुआ आ रहा है। अब देखिए, इसके अंदर क्या होता है कि ये शिक्षक केंद्रित तथा विषय केंद्रित होती है। इसके अंदर क्या होता है कि जो शिक्षक है, जो टीचर है, वो मेन केंद्र होता है और उसकी विषय वस्तु यानी कि जो स्टडी मटेरियल है वो चीज़ मुख्य रूप से होती है जो आज तक चलती हुई आ रही है। जैसे कि क्लास के अंदर है, टीचर पढ़ा रहा है, बुक लेके पढ़ा रहा है, तो वो क्या है, हमारा ट्रेडिशनल मेथड है। इसमें शिक्षक का प्रमुख स्थान होता है तथा विद्यार्थियों का गौण स्थान होता है, यानी कि इसमें जो विद्यार्थियों की पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम होती है। ज़्यादातर क्या है कि जो टीचर है वही बोलता है, वही समझाता है। शिक्षक विषय सामग्री निर्धारित करता है, वह विद्यार्थियों पर ज्ञान थोपने का प्रयास करता है, ठीक है, ये हमने देखा होगा। उनकी रुचि, अभिवृत्ति, योग्यता व अक्षमता पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता। जिस तरीके से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, पहले हम पढ़ते थे तो टीचर क्या था कि वो खुद कहता था कि आपको ये पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, हमारी कोई रुचि इच्छा कोई भी कुछ हम अपनी तरफ से डिसाइड नहीं कर सकते थे। लेकिन आज का जो टाइम है दोस्तों, आज का टाइम बिल्कुल चेंज हो गया है। अब देखिए, जैसे आप यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैं अगर आपको कहूं कि आपको ये टॉपिक पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ना है, तो आप मेरी मानो या ना मानो कोई ज़रूरी नहीं। आप अपने हिसाब से वीडियो देखोगे, अपने हिसाब से टीचिंग मेथड का चुनाव करोगे, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, आप अपनी रुचि के अनुसार चलोगे। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। अब देखिए, ये मॉडर्न मेथड की बात आ गई जिसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ। मॉडर्न मेथड के अंदर वही है कि जैसे आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, LCD प्रोजेक्टर के ऊपर पढ़ रहे हो और लैपटॉप के ऊपर पढ़ रहे हो, तो आप अपने
अनुसार अपने हिसाब से देख सकते हो कि मेरे को क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। अब देखिए आईसीटी बेस्ड, अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आईसीटी क्या होता है। आईसीटी के बारे में भी पता होना चाहिए, कई दोस्तों को पता नहीं था इसके बारे में। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसकी फुल फॉर्म है। और इसके अंदर जैसे क्या आता है, हमारा इंटरनेट आ गया, कंप्यूटर आ गया, लैपटॉप आ गया, ये सारी चीज़ें होती है आईसीटी होती है होम है। और इसके इसको तीन भागों में बांट सकते हैं हम। सबसे पहला ई लर्निंग। ई लर्निंग जैसे हमारी ई बुक होगी, पीडीएफ वगैरह होगी, तो उस तरीके से पढ़ना वो कहलाता है ई लर्निंग कहलाता है, वीडियो के जरिए पढ़ना। और फिर आता है दोस्तों ब्लेंडेड लर्निंग। अब देखिए ब्लेंडेड लर्निंग के अंदर क्या होता है, मैं आपको बताऊँ कि ब्लेंडेड लर्निंग के अंदर हम दोनों तरीके यूज़ करते हैं, ऑनलाइन तरीका भी यूज़ करते हैं और जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड जो चल रहा है वो दोनों के दोनों मिला के जब हम पढ़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ब्लेंडेड लर्निंग कहते हैं। यानी कि जिसके अंदर ट्रेडिशनल भी हो और ऑनलाइन मेथड भी हो, दोनों जब हम यूज करें तो उसे हम ब्लेंडेड लर्निंग कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों डिस्टेंस एजुकेशन, डिस्टेंस लर्निंग जिसे कहें, इसके अंदर हम जैसे ईमेल के जरिए पढ़ते हैं, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, किसी को ईमेल भेज दी और उसमें स्टडी नोट्स वगैरह, यानी कि दूर रहकर शिक्षा प्राप्त करना वो क्या कहलाता है, डिस्टेंस लर्निंग कहलाता है। और इसके अंदर जैसे फॉर्म चैट है और कम्युनिकेशन टूल है, काफ़ी तरह की चीज़ें होती हैं। आजकल जैसे वेबिनार वगैरह आ रहे हैं तो ये सभी चीज़ें क्या कहलाती है, डिस्टेंस लर्निंग कहलाती है। तो दोस्तों ये हमारी मुख्य रूप से आज की टीचिंग ऑनलाइन मेथड थे, इनके द्वारा हम पढ़ते हैं। ट्रेडिशनल जो हमारा पुराना मेथड था वो था, तो ये हमने सभी कंपैरिजन किया है। दोस्तों आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड में टाइप ऑफ इवेल्युएशन सिस्टम इन टीचिंग एप्टीट्यूड करेंगे। ये जो टॉपिक है दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसमें से हर बार क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है, तो ये जो टॉपिक हमारे लिए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों अगर आप चाहें तो बहुत अच्छे से स्टडी करने के लिए हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर हम आपको सभी 10 यूनिट के स्टडी नोट्स देते हैं, थ्योरेटिकल वीडियोस देते हैं, इसके साथ साथ 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर देते हैं विद टॉपिक वाइज क्वेश्चन। जैसे कि आज तक रिसर्च के क्वेश्चन आ चुके हैं वो हमने अलग रखे हैं, टीचिंग के क्वेश्चन अलग रखे हैं, कम्युनिकेशन के अलग रखे हैं, इस तरीके से सभी 10 यूनिट के जो क्वेश्चन हैं आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको सभी 10 यूनिट के लाइव मॉक टेस्ट देते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो जल्दी से जल्दी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। दोस्तों टाइप ऑफ इवेल्युएशन सिस्टम को समझने से पहले हम जान लेते हैं कि असेसमेंट और इवेल्युएशन क्या होता है। इसमें से भी क्वेश्चन आए हैं दोस्तों, ये बेसिक चीज़ें ये हमें पता होना जरूरी है। अब देखिए असेसमेंट क्या होता है। असेसमेंट इज़ द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंटिंग एंड यूजिंग एम्पिरिकल डेटा ऑन द नॉलेज आइडिया स्किल एटीट्यूड एंड बिलीफ। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर हम स्टूडेंट के अनुभव, उसके क्या क्या अनुभव है, पीछे का क्या एक्सपीरियंस रहा है, उसके विचार क्या, थिंकिंग है, उसका एटीट्यूड क्या है, उसको क्या नॉलेज है, तो ये सारी चीज़ें हम देखने की कोशिश करते हैं और तब हम देखते हैं कि बच्चा आगे क्या सीख सकता है और बच्चे में क्या कमियाँ हैं, ये सारी चीज़ें हम उसके अंदर टाइम टू टाइम देखते हैं। लेकिन जो हमारा इवेल्युएशन सिस्टम है दोस्तों, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हम मुख्य रूप से यह देखने की कोशिश करते हैं कि बच्चे ने क्या सीखा है। इसके लिए हम टेस्ट, ग्रेड और परफॉर्मेंस इत्यादि का उपयोग करते हैं। इसके अंदर हम ये नहीं देखते कि बच्चे के विचार क्या है, बच्चे की एटीट्यूड क्या, नहीं, हम इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं देखते। इसके अंदर हम लास्ट में एग्ज़ाम लेते हैं और एग्ज़ाम में देखते हैं कि बच्चे के 100 नंबर में से कितने आए हैं, या ग्रेड है, ग्रेड कितनी आई है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, क्या ग्रेड आई है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। और इसके अंदर एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, सर्टिफिकेट के अंदर पूरी उसका यानी कि क्वांटिटेटिव डाटा होता है, सॉरी, उसके अंदर हम उसको अंक देते हैं। तो ये दोनों में फ़र्क है, यानी कि जो असेसमेंट है उसके अंदर हम क्या बात करते हैं, विचारों की बात करते हैं, उसके एटीट्यूड की बात करते हैं, लेकिन इवेल्युएशन सिस्टम के अंदर हम उसके अंक की बात करते हैं, उसकी ग्रेड की बात करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में होनी चाहिए। और शिक्षा में सबसे पहले असेसमेंट आता है और उसके बाद में इवेल्युएशन आता है, यानी कि सबसे पहले हम देखते हैं कि बच्चे का हाव भाव क्या है, बच्चा किस तरीके से सीख रहा है, उसके इमोशन वगैरह को देखा जाता है, उसके बाद उसके अंकों को देखा जाता है।
ठीक है। और अब देखते हैं कि इसके मुख्य मुख्य रूप से क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं असेसमेंट और इवेल्यूएशन के अंदर। अब देखिए असेसमेंट है वो ऑन गोइंग है, ये कंटिन्यूसली चलती रहती है, हम दूसरे महीने तीसरे महीने हम टाइम टू टाइम देखते रहते हैं, जब क्लास में जाते हैं भाई ये बच्चा कैसे परफॉर्म कर रहा है, क्या कर रहा है, इसके बोलने का स्वभाव क्या है, ये सारी चीज़ें ये ऑन गोइंग है। और ये प्रोवाइड क्लोजर, ये क्या कि क्लोजर देता है, यानी कि ये अंत में होता है और ये पॉजिटिव होता है। इसके अंदर हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि बच्चे में क्या पॉजिटिव बदलाव आया है, उसको पॉजिटिव करने की हम कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो होता है इट इज़ जजमेंटल, इसके अंदर हम जज करते हैं फाइनली, भाई इसके मार्क्स 10 आए तो ये फेल हो गया, बस हम वहाँ पे उसको फेल कर देते हैं। लेकिन असेसमेंट के अंदर क्या होता है कि अगर किसी बच्चे में कोई कमी पाई जाती है तो हम उसे सुधारने की कोशिश करते हैं, उसको हम रिजेक्ट नहीं कर देते उस टाइम, उसको इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं, उसमें पॉजिटिव बदलाव लाने की कोशिश की जाती है। ये प्रोवाइड फीडबैक, इसके अंदर फीडबैक दिया जाता है असेसमेंट के अंदर, जैसे कि कोई बच्चा है गुस्से से बोल रहा है तो हम उसके माता पिता को बताएंगे, अगर अच्छे से नहीं रह रहा है और उसके विचार सही नहीं है तो हम फीडबैक देंगे, उसके माँ बाप को देंगे, प्रिंसिपल को देंगे। लेकिन इसके अंदर इवेल्यूएशन के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हम फाइनली मार्क्स दिखाते हैं कि आपके बच्चे के 15 मार्क आए हैं, 20 मार्क आए हैं, अब आप जो चाहे वो कर सकते हैं, उसके अंदर हम फीडबैक नहीं देते, उसके अंदर हम सर्टिफिकेट देते हैं। इट इज़ ए क्वालिटेटिव, इसके अंदर देखिए इसके अंदर हम क्वालिटी की बात करते हैं, उसके भावनाओं की बात करते हैं, लेकिन ये क्या होता है इसके अंदर क्वांटिटी की बात करते हैं, भाई बच्चे के कितने नंबर आए हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये ध्यान देने वाली है, इट हैज़ डायग्नोस्टिक फॉर्मेटिव सुमेटिव, ये तीनों तरह का हो सकता है, यानी कि नैदानिक। डायग्नोस्टिक का मतलब है कि अगर किसी बच्चे में कोई कमी पाई जाती है तो उसका उपचार किया जाता है, उसको ठीक करने की कोशिश की जाती है। फॉर्मेटिव और सुमेटिव, फॉर्मेटिव यानी कि जो कंटिन्यूस चलने वाली भी होती है, यानी कि समय समय पर करते हैं, और सुमेटिव क्या होती है कि जो समरी लास्ट के अंदर जो एग्ज़ाम लिया जाता है उसे हम सुमेटिव कहते हैं। तो जो हमारी असेसमेंट होती है वो तीनों तरह की हो सकती है, डायग्नोस्टिक हो सकती है, फॉर्मेटिव हो सकती है, सुमेटिव हो सकती है, लेकिन जो हमारी इवेल्युएशन होती है ये ओनली सुमेटिव होती है, यानी कि इसमें एज ए समरी हम रिजल्ट निकालते हैं। यह हम शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए समय समय पर करते रहते हैं, लेकिन इवेल्युएशन होता है इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसको हम आखिर में करते हैं और देखते हैं कि बच्चे ने क्या सीखा है। तो ये इनके अंदर मेन डिफरेंस है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों पहले आया है तो ये आप ध्यान में रख लेना, हो सकता है अब की बार इनमें से कोई एक क्वेश्चन दे दे, ये 3-4 ऑप्शन दे दे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं कि टाइप ऑफ इवेल्युएशन, कितने तरह की इवेल्युएशन होती है। यहाँ पे हमने टाइप लिखे हुए हैं, हिंदी में भी लिखे हुए हैं, और अब हम इनको आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला आता है दोस्तों हमारे पास कंटिन्यूस कंपेरिहेंसिव इवेल्युएशन, अगर इसको हम हिंदी में कहें तो इसका मतलब है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है। यहाँ पे मैं हिंदी में लिखना भूल गया, और मैं कहूँ आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में याद करने की कोशिश करना, क्योंकि हिंदी के जो मीनिंग है, जो शब्द वो थोड़े चेंज हो जाते हैं, वो हम समझ नहीं पाते और फिर कहेंगे कि सर आपने तो ये हमें पढ़ाया नहीं, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप ज़्यादा कोशिश कीजिए इंग्लिश में याद रखने की किसको क्या कहते हैं। अब देखिए इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं कि कंटिन्यूस कंप्रिहेंसिव इवेल्युएशन इज़ ए इवेल्युएशन सिस्टम न्यूली इंट्रोड्यूस बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि ये CBSE के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया एक नया कॉन्सेप्ट है। तो इसमें से ये क्वेश्चन आया है पहले कि CBSE के द्वारा क्या इंट्रोड्यूस किया गया है, और इसके अंदर क्या होता है कि 6th to 10th क्लास, 6ठी से 10वीं क्लास तक के बच्चों पे ये लागू होता है। और इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर हम यह CBSE बोर्ड द्वारा अपनाई गई एक मूल्यांकन प्रणाली है, इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य बच्चों में तनाव को दूर करना है, ये चीज़ भी ध्यान में रखनी। इसमें समय समय पर बच्चे के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन किया जाता है, बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या सीख रहा है, क्या खेल रहा है, और क्या किस तरह के वातावरण में रह रहा है, यानी कि इसमें सभी तरह के पहलुओं को देखा जाता है कि बच्चे ने क्या सीखा है, क्या पढ़ रहा है, क्या खेल रहा है और किस वातावरण में रह रहा है। तो इसे हम कहते हैं कंटिन्यूस एंड कंप्रिहेंसिव इवेल्युएशन कहते हैं। और अब अगला देखते दोस्तों, अगला है हमारे पास प्लेसमेंट इवेल्युएशन। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इस तरह का मूल्यांकन तब किया जाता है जब किसी बच्चे का किसी स्कूल में एडमिशन होता है, उस समय टीचर यह देखने की कोशिश करता है कि
बच्चे को कितनी नॉलेज है और इसे कौन सी क्लास में एडमिशन देना चाहिए। अब देखिए, जब हम अपने बच्चे को किसी बड़े स्कूल में लेके जाते तो वो स्कूल वाला बिल्कुल सीधा एडमिशन नहीं करता, वो पहले अपने बच्चे का टेस्ट लेता है और देखता है कि इसको कितनी नॉलेज है। हो सकता है हमारा बच्चा पहले फोर्थ क्लास में हो, लेकिन अगला जो स्कूल है वो टेस्ट लेगा तो हो सकता है वो थर्ड क्लास में अपने बच्चे को डाल दे उसकी नॉलेज के अनुसार। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्लेसमेंट इवेल्युएशन कहते हैं। और आगे हम देखते हैं कि फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, इसके अंदर क्या होता है। इस तरह का मूल्यांकन समय समय पर किया जाता है। सबसे पहली बात, इसको क्या है, समय समय पर किया जाता है ताकि हमें यह पता चल सके कि बच्चे में कितना इम्प्रूवमेंट आया है। जैसे कि स्कूल में हर महीने बच्चे का टेस्ट लिया जाता है, इसे हम इंटरनल इवेल्युएशन भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसके अंदर क्या करते हैं, हम बच्चे का समय समय पर टेस्ट लेते हैं, जैसे हर हफ्ते ले लिया, हर महीने ले लिया, और देखते हैं कि बच्चे में क्या इम्प्रूवमेंट आया, और इसको इंटरनल इवेल्युएशन भी कहते हैं। ये आपको चीज़ ध्यान में रखनी ज़रूरी है, इंटरनल इवेल्युएशन। और आगे आता है दोस्तों हमारे पास डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। इसके अंदर क्या होता है, इसमें हम बच्चे की वीकनेस और गुडनेस को देखते हैं कि बच्चे में क्या कमियाँ और क्या अच्छाई है। अगर बच्चे में वीकनेस पाई जाती है, यानी कि कोई हमें कमज़ोरी पाई जाती है, तो उसको इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की जाती है। और अगर कोई बच्चा होनहार है, बहुत अच्छा है, क्रिएटिव बंदा, तो उसकी जो स्किल है उसको एडवांस लेवल पे ले जाने की कोशिश की जाती है। और आगे देखते हैं, आगे क्या है दोस्तों हमारे पास, आगे है हमारे पास सुमेटिव इवेल्युएशन। इसके अंदर क्या करते हैं दोस्तों, इस तरह का मूल्यांकन हमारी क्लास और कोर्स के बिल्कुल लास्ट में किया जाता है। ठीक है, यानी कि जैसे हम ईयरली एग्ज़ाम लेते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि बच्चे के कितने मार्क्स आए हैं। जैसे कि हमारा क्लास के अंत में एग्ज़ाम होता है, इसमें यह पता लगाने का प्रयास किया जाता है कि बच्चे ने पूरे साल में क्या सीखा है। इस दौरान बच्चों को अंक, ग्रेड और सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, और इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम एक्सटर्नल इवेल्युएशन कहते हैं। ये दोनों चीज़ें आपको याद होना चाहिए कि इंटरनल इवेल्युएशन किसे कहते हैं और एक्सटर्नल किसे कहते हैं। इंटरनल मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ ताकि आपको याद रह जाए। इंटरनल कहते हैं हम फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, यानी कि जो समय समय पर किया जाता है। इसको फॉर्मेटिव को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि फॉर्मेटिव यानी कि फोर, यानी कि साल में चार बार जो टेस्ट लिया जाए, ठीक है, समय समय पर लिया जाए। और सुमेटिव को समझने की कोशिश करें तो सुमेटिव मतलब समरी, यानी कि लास्ट में जब जैसे कि हम कोई लेसन पढ़ते तो लास्ट में हम समरी देते, तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। दोस्तों अगला आता है हमारे पास क्राइटेरियन रेफरेंस इवेल्युएशन। इसके अंदर क्या होता है, इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसमें बच्चे का मूल्यांकन करने के लिए पहले से ही कुछ ग्रेड, अंक, पोजीशन या किसी अन्य तरह का क्राइटेरिया निर्धारित कर दिया जाता है। जैसे कि हम मान के चलते कि पहले ही बच्चे को कह दिया जाता है कि जिस बच्चे के 50 नंबर से ज़्यादा आएंगे वो एक्सीलेंट माना जाएगा, और जिस बच्चे के 35 नंबर से कम नंबर आएंगे वो फेल माना जाएगा। यानी कि पहले से हम एक क्राइटेरिया निर्धारित कर देते हैं, भाई इतने आने पे ये होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्राइटेरिया रेफरेंस इवेल्युएशन कहते हैं। अब देखिए, जैसे इस तरीके के आपको देखे होंगे कि फिर फॉर इंस्टेंस 90% एंड अबो, यानी कि जिसके 90% या उससे ज़्यादा नंबर आते तो उसे ए ग्रेड दिया जाएगा, 80 से 89 के बीच में आएगा उसको बी ग्रेड दिया जाएगा। यानी कि इस तरीके से हम पहले से ही डिसाइड कर देते हैं कि जिस बच्चे के इस एरिया से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक नंबर आएगा उसको ए ग्रेड, बी ग्रेड ये दी जाएगी। यानी कि उससे पहले ही बच्चा अलर्ट हो जाता है कि मेरे को इतने नंबर लेने हैं अगर मेरे को इस ग्रेड के अंदर आना है तो इसे हम क्या कहते हैं, क्राइटेरियन रेफरेंस इवेल्युएशन कहते हैं। और आगे देखते हैं दोस्तों, इसके ज़रिए हमें यह पता चल जाता है कि बच्चे का लेवल कहाँ तक का है, और इसमें किसी बच्चे का किसी दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर नहीं किया जाता। ये ध्यान में रखने वाली बात है दोस्तों, इसमें हम किसी बच्चे का किसी दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर नहीं करते। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कंपेयर की बात अभी मैं बताऊंगा क्यों हम कर रहे हैं। अब देखिए, नॉन रेफरेंस्ड इवेल्युएशन, अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, नॉन रेफरेंस्ड मेजरमेंट आर डिजाइन टू कंपेयर स्टूडेंट परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू रिलेटिव पोजिशन इन सम नॉलेज ग्रुप। अब देखिए, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम किसी बच्चे की परफॉर्मेंस को दूसरे बच्चे की परफॉर्मेंस के साथ कंपैरिजन किया जाता है और देखते हैं कि किसने अच्छे ग्रेड प्राप्त किए हैं। इसके अंदर क्या करते हैं दोस्तों, इसके अंदर हम एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के साथ या एक स्टूडेंट का दूसरे स्टूडेंट के साथ कंपेयर करके देखते हैं कि कौन सा बच्चा ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है। जैसे कि हमारे जो स्कूल है उसके अंदर कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं तो उसके अंदर ग्रुप बना दिए जाते हैं, टीम ए टीम बी, उन दोनों के अंदर कंपटीशन
करवाया जाता है और हम देखा जाता है कि किसके परफॉर्मेंस है वो सबसे बेटर है। तो अब यहाँ पे बात आ गई ना दोस्तों कि जो ऊपर वाली थी हमारी क्राइटेरिया रेफरेंस वैल्यूएशन थी, इसके अंदर क्या करते हैं कि इसके अंदर हम किसी बच्चे का दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर नहीं कर थे। और लेकिन जो नॉन रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन है इसके अंदर हम कंपेयर करते हैं एक बच्चे का दूसरे बच्चे के साथ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए आगे आता है दोस्तों हमारे पास CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है चॉइस बेस्ड, यानी कि इसके अंदर हमारे पास चॉइस होती है, हमारे खुद चॉइस होती है कि हम कौन सा भी कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर हम समझने की कोशिश करते हैं कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हैज़ कम विद द चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम प्रोग्राम इन विच द स्टूडेंट हैव ए चॉइस टू चूज फ्रॉम द प्री सब्सक्राइब्ड कोर्स विच आर रेफर्ड एज कोर इलेक्टिव और माइनर और सॉफ्ट स्किल कोर्स। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर UGC ने एक ऐसा सिस्टम लॉन्च किया है जिसके अंदर बच्चा अपने हिसाब से जो प्रोग्राम है वो सेलेक्ट कर सकता है। अब देखिए इसका एक मैं आपको बिल्कुल सिंपल सा उदाहरण दूंगा, उससे आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि जो लोग इग्नू से अपना कोर्स कर रहे हैं तो उनको पूरी छूट होती है कि वो अपनी जैसे 32 ग्रेड होती है एक ईयर के अंदर, 32 ग्रेड होती है मोस्टली जो प्रोग्राम होते हैं उनके अंदर, तो उनको पूरी छूट होती है कि वो 4 क्रेडिट भी ले सकते हैं, 4-4 करके 8 सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, या फिर 8-8 करके 4 भी ले सकते हैं। तो उनको पूरी छूट होती है कि वो अपने हिसाब से क्रेडिट सिस्टम चुन सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने वाली है कि दिस शिफ्ट इज फोकस फ्रॉम टीचर सेंटर टू स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन, यानी कि इसके अंदर क्या करते हैं कि जो पहले शिक्षक केंद्रित शिक्षा थी उसको हटा के अब स्टूडेंट केंद्रित कर दिया गया है, यानी कि अब स्टूडेंट की पूरी इच्छा है, स्टूडेंट अपने अनुसार जो भी चीज़ है वो सिलेक्ट कर सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये क्वेश्चन में पहले आ चुकी है। और इस प्रोग्राम में हम बच्चे की विद्यार्थियों की अपनी इच्छा के अनुसार कोर्स चुनने की आज़ादी होती है। यह शिक्षक केंद्रित से छात्र केंद्रित शिक्षा पर ध्यान देता है, ठीक है। तो ये इसके अंदर मुख्य रूप से बातें होती है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टाइप ऑफ इवैल्यूएशन सिस्टम। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी बात समझ में नहीं आई है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये PDF फॉर्म में ये नोट्स लेना तो आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसके अंदर हम आपको बहुत अच्छे से स्टडी करवा रहे हैं। और दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को आसानी से देख सकें। इंडियाज नंबर 1 स्टडी ऐप NTA UGC NET यानी निमिजी नेट, फ्री स्टडी नोट्स और वीडियोस, ऑल पेपर विद आंसर की, ऑनलाइन मॉक टेस्ट फॉर पेपर फर्स्ट एंड सेकंड, न्यू अपडेटेड सिलेबस फॉर पेपर फर्स्ट एंड सेकंड, डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमिजी नेट पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर इवैल्यूएशन सिस्टम के बारे में। दोस्तों इसमें से आज तक बहुत से क्वेश्चन आए हैं और दिसंबर 2019 का जो एग्जाम हुआ है उसमें भी बहुत क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। ये जो टॉपिक है हमारा बहुत रिपीटेड टॉपिक है दोस्तों, इसके बारे में आपको पूरा अच्छे से बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमने टाइप ऑफ इवैल्यूएशन सिस्टम के बारे में पहले वीडियो बना रखी है, उसके अंदर हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कितने तरह के इवैल्यूएशन सिस्टम है टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर, तो उन सभी के बारे में मैंने आपको बताया। अगर आपने वो हमारी वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो आप देख लीजिए। और दोस्तों अगर आप ये नोट्स लेना चाहें, यहाँ पे हमने पूरा स्टडी नोट्स बना रखा है टीचिंग एप्टीट्यूड का, सभी 10 यूनिट के स्टडी नोट्स बना रखे हैं। और इसके साथ साथ हमने 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक सभी टॉपिक वाइज क्वेश्चन अलग करके हैं, जैसे कि आज तक रिसर्च के जो भी क्वेश्चन आए हैं वो हमने अलग करके हैं, टीचिंग के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है। इस तरीके से आप दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से अपनी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई चाहे ये PDF लेना, ये नोट्स लेना, तो आप हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में टाइप ऑफ इवैल्यूएशन में से किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा सितंबर 2013 का क्वेश्चन पेपर है और इसमें ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस प्रकार के मूल्यांकन में
अनुदेश के समय शिक्षक तथा विद्यार्थी दोनों को प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए अधिगम प्रक्रियाओं का आंकलन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप इंग्लिश में और हिंदी में दोनों पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हमने ये हिंदी में दिया हुआ है और यहाँ पे नीचे देखिए ये यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आप इंग्लिश में पढ़ना चाहे तो ये पढ़ लीजिए। इसको हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या है और किस तरह से इसका आंसर आएगा। देखिए सबसे पहले इन्होंने कहा है कि किस प्रकार के मूल्यांकन में अनुदेशन के समय शिक्षक तथा विद्यार्थी दोनों को प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए अधिगम प्रक्रिया का आंकलन किया जाता है। यानी कि ऐसी इवेल्युएशन सिस्टम जिसके अंदर जो शिक्षक है विद्यार्थी है दोनों एक दूसरे से अच्छे से फीडबैक देते हैं और अच्छे से अधिगम करते हैं तो उसको किस तरह का मूल्यांकन कहा जाएगा। तो उसको दोस्तों निर्माणात्मक मूल्यांकन यानी कि फॉर्मेटिव इवेल्युएशन कहा जाएगा। अब देखिए दोस्तों फॉर्मेटिव इवेल्युएशन के अंदर क्या होता है कि हम टीचिंग के साथ साथ सारी चीज़ें देखते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा है, क्या सीखा है, बच्चे से हम फीडबैक लेते हैं कि हमने आपको किस तरह से पढ़ाया, अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो आप हमें बताइए। इस तरह से उनका फीडबैक हम लेते रहते हैं तो उसे हम कहते हैं निर्माणात्मक मूल्यांकन या फॉर्मेटिव इवेल्युएशन कहते हैं। और दोस्तों मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि हमने इन पे बहुत अच्छे से डिटेल में वीडियो बना रखी है। ये देखिए आप ये देख सकते हैं डिटेल में हमने नोट्स बना रखे हैं फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन क्या होता है, आप चाहे तो ये नोट्स ले सकते हैं। और आगे हम देखते हैं दोस्तों इवेल्युएशन सिस्टम में से किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए। ये देखिए ये जून 2014 का क्वेश्चन पेपर है और इसके अंदर ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 54 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों ये दिया इन्होंने मूल्यांकन के उस वर्ग की पहचान कीजिए जो विद्यार्थियों के शिक्षा काल के दौरान उनके सीखने की गति प्रगति को जांचने के लिए निरंतर फीडबैक देता है। अब देखिए दोस्तों ये अभी हम करके आए हैं जहाँ पे फीडबैक की बात हो रही थी पीछे का जो हमने क्वेश्चन किया था, ठीक है, और इसमें भी ये फीडबैक की बात कर रहा है तो इसके अंदर क्या होगा फॉर्मेटिव इवेल्युएशन होगा। और हिंदी में बात करें तो इसे रचनात्मक मूल्यांकन। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको नोट करनी होगी कि इंग्लिश में जो नाम है वो सेम रहता है लेकिन हिंदी के अंदर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए इसका हम इंग्लिश में देखते हैं यही क्वेश्चन ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए ये हमारा ये देखिए 54 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी फॉर्मेटिव इवेल्युएशन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो इंग्लिश में नाम है वो बिल्कुल सेम है लेकिन हिंदी के अंदर पहले क्या था, पहले था निर्माणात्मक मूल्यांकन लेकिन यहाँ पे अब क्या दे दिया इन्होंने, यहाँ पे इन्होंने अब नाम दे दिया है, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने रचनात्मक मूल्यांकन दे दिया है। तो रचनात्मक मूल्यांकन और निर्माणात्मक मूल्यांकन दोनों एक चीज है और इंग्लिश में इसे फॉर्मेटिव इवेल्युएशन कहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बार बार एक बात कहता हूँ कि आपको हिंदी और इंग्लिश बेसिक नॉलेज होना जरूरी है अगर आपको नेट और जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो, ठीक है। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें से किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुआ है और आप खुद देखना दोस्तों इनमें से किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और ये जो टॉपिक है हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसमें मैं आपको धीरे धीरे दिखाऊंगा कि दिसंबर 2019 में जून 19 में किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए। अब ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन पेपर है अगस्त 2016 का क्वेश्चन पेपर है और इसके अंदर ये देखिए क्वेश्चन नंबर 57 रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। अब रचनात्मक मूल्यांकन अभी हम करके आए हैं फॉर्मेटिव इवेल्युएशन करके आए हैं, इसका उद्देश्य क्या होता है, इन्होंने आंसर नंबर 2 दिया है छात्रों के अधिगम निष्पादन में त्वरण लाना। यानी कि छात्र जो भी सीख रहे हैं उनकी जो गति है उनको और फास्ट करना और उनमें सुधार करना, मेन मकसद इसका ये होता है कि उसके अंदर सुधार करना, निष्पादन निष्पादन का मतलब ये होता है उसके अंदर सुधार करना, तवरण तवरण का मतलब उसमें गति लाना, उसके सुधार में गति लेके आना। और यहाँ पे अगर इंग्लिश में देखना चाहे तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, यहाँ पे 57 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आप देख लेना जिनको इंग्लिश में समझ में आए, ठीक है। और आगे हम देखते हैं आगे यही क्वेश्चन किस तरह से रिपीट हुआ है और देखिए दोस्तों आप खुद देख लीजिए, आपके सामने लाइव प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन से 3 बार अभी तक क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। और आगे हम देखते हैं कि आगे इवेल्युएशन सिस्टम में से किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अब ये देखिए ये हमारा है क्वेश्चन नंबर जुलाई 2018 का क्वेश्चन पेपर है और इसके अंदर ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 नीचे दी गई मूल्यांकन प्रक्रियाओं में उनकी पहचान कीजिए जिनको निर्माणात्मक मूल्यांकन
कहा जाता है। अब निर्माणात्मक मूल्यांकन, अभी मैंने आपको बताया वही है, रचनात्मक मूल्यांकन और निर्माणात्मक मूल्यांकन एक ही चीज़ है। और इंग्लिश में मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, ये देखिए, ठीक है। अब देख लीजिए आपके सामने चौथी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कंटिन्यूसली चौथी बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि जो निर्माणात्मक मूल्यांकन होता है उसमें कौन कौन से पॉइंट शामिल किए जाते हैं। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं इसका आंसर है, अब देखिए इसका आंसर हम देख लेते हैं, आंसर नंबर 4 है, 4BDF। तो ये तीनों ऑप्शन हम देखते हैं, BDF क्या कहता है। यहाँ पे बी है, शिक्षक कक्षा में छात्रों के साथ अंतःक्रिया के दौरान सुधारात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। अब देखिए दोस्तों कितना आसान है यार ये, कि प्रतिपुष्टि, प्रतिपुष्टि फीडबैक की बात कर रहे हैं दोस्तों। आप ध्यान से देखो इसको, और कितना आसान है हमारे लिए करना फीडबैक। हम पढ़ते आ रहे हैं कि निर्माणात्मक मूल्यांकन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंदर हम फीडबैक लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको बार बार कहता हूं कि आप ओल्ड पेपर कीजिए, आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं रिसर्च के, कम्युनिकेशन के, उनको अच्छे से देखिए कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और उनके अंदर, उन क्वेश्चन के अंदर ऐसी कौन सी बात है जो कॉमन है, ठीक है। उनसे आप बिल्कुल आसानी से नेट और जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। अब आप खुद देख लीजिए, ठीक है। और अगला हम देखते दोस्तों, अगला इसमें ऑप्शन था हमारा BDF। अब डी देखते हैं, डी, शिक्षक कक्षा में छात्रों के संदेह को स्पष्ट करता है। ये बात बिल्कुल सही है। और फॉर्मेटिव इवेल्युएशन में आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, उसके अंदर हम कंटिन्यूसली स्टूडेंट से फीडबैक लेते रहते हैं, उसकी जो भी परेशानी होती है उनको दूर करते रहते हैं, ठीक है, ये होता है इसके अंदर। तो इन्होंने कहा है कि शिक्षक कक्षा में ही छात्रों के संदेह को स्पष्ट करता है, ये बिल्कुल सही बात है। आगे हम बात करते हैं एफ, शिक्षक प्रश्न उत्तर सत्र के माध्यम से अधिगमकर्ता की अभिप्रेरणा में वृद्धि करता है। इसका मतलब ये है कि जो टीचर है वो प्रश्न करता है, उत्तर देता है, जवाब प्रश्न, इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे कि जो शिक्षक है वो प्रश्न उत्तर करता है, एक इंटरेक्शन करता है, इससे क्या होता है कि जो स्टूडेंट है उनके पढ़ने में इंटरेस्ट है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये चीजें इसके अंदर होती है। तो आप देख लीजिए कितना आसान है हमारे लिए करना क्वेश्चन, तो आप देख लीजिए दोस्तों कितने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे सामने, और हम बिल्कुल आसानी से नेट और जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों ये जून 2019 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, 20 जून का। इसके अंदर ये देखिए इन्होंने फिर से निर्माणात्मक मूल्यांकन की बात कही है, ये पांचवीं बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। इसके अंदर ये देखिए आंसर इन्होंने डी दिया है, मूल्यांकन शिक्षण के दौरान किया जाता है। अब देखिए दोस्तों आप खुद देखिए कितना आसान ये है हमारे लिए। और आगे हम देखते हैं आगे किस तरह से रिपीट हुआ है। आगे ये देखिए, आगे हमारा ये क्वेश्चन पेपर मैं देख लेता हूँ, जून 2020 का ही पेपर है ये क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी ये देखिए 20 जून इवनिंग शिफ्ट का पेपर है, और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3, किस प्रकार के मूल्यांकन में अधिगमकर्ता की कमियों एवं कठिनाइयों की पहचान पर बल दिया जाता है। तो इसका आंसर है दोस्तों नैदानिक मूल्यांकन, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन जो होता है उसके अंदर। दोस्तों इसके अंदर हम क्या करते हैं, डायग्नोस्टिक, जैसे नाम से पता चल रहा है कि उसका उपचार किया जाता है, डायग्नोस किया जाता है, ठीक है। किसी भी स्टूडेंट की कोई परेशानी है, कोई सवाल नहीं आ रहा, कुछ कठिनाई है, तो उसका समाधान किया जाता है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, नैदानिक मूल्यांकन के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं करीब 6 तरह के मूल्यांकन प्रणाली है, इन सभी के बारे में हमें पता होना चाहिए। और दोस्तों अगर आप ये नोट्स अच्छे से देखते हैं, वीडियो अच्छे से देखते हैं, तो मैं बिल्कुल श्योर कहता हूँ कि आपका नेट और जेआरएफ क्वालिफाई बिल्कुल आसानी से हो सकता है, ठीक है। और आगे हम देखते हैं कि आगे किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं इसी के अंदर। अब ये देखिए दोस्तों ये 21 जून 2019 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 दोबारा रिपीट हो गया, डिट्टो कॉपी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नैदानिक मूल्यांकन से सुनिश्चित होता है, क्या होता है, ये देखिए आंसर नंबर बी दिया इन्होंने, अनुदेशन के दौरान अधिगम में विद्यमान समस्याओं के कारण और उनका समाधान, ठीक है। बिल्कुल आसान दोस्तों, बिल्कुल डिट्टो कॉपी क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया, और हमने ऊपर पढ़ा था ये 20 जून के अंदर आया था, और यहाँ पे फिर इन्होंने 21 जून के अंदर पूछ लिया। तो आप देख लीजिए दोस्तों, और जो दोस्त ये कहते हैं ना कि UGC के अंदर अब क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, पहले होते थे, आप खुद देख लीजिए 2013 से लेके
और जून 2019 तक रिपीट हो रहे हैं। और अभी तो मैं आपको आगे भी दिखाने वाला हूँ कि यही क्वेश्चन दिसंबर 2019 में किस तरह से रिपीट हुए हैं। तो आप देखते जाइए ये वीडियो, आप पूरा देखना, ध्यान से देखना दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए। अब देखिए आगे ये हमारा क्वेश्चन नंबर आ गया, ये क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। 21 जून इवनिंग शिफ्ट का पेपर है और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। इन्होंने कहा है कि नीचे किसी अध्यापक द्वारा निष्पादित कार्यकलाप की सूची दी गई है, ठीक है। कौन से कार्यकलाप निर्माणात्मक मूल्यांकन की प्रकृति के है, निर्माणात्मक यानी कि फॉर्मेटिव इवेल्युएशन की प्रकृति के, वो हमें बताना है। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन हम पढ़ के आए हैं, जो 4 बार 5 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है वही ये क्वेश्चन है। इसके अंदर देखिए आंसर इन्होंने सी दिया है, सी के अंदर है 2, 4, 5। तो इन सभी ऑप्शन पे हम डिस्कस करते हैं, 2, 4, 5 पे हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे दो, ये देखिए क्विज 70 का आयोजन किया जाता है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। अभी हमने पढ़ा था ना कि प्रश्नोत्तरी करते हैं उसके अंदर, ठीक है, ये वो चीज़ है। दो और फिर है 4, शिक्षा में प्रतिपुष्टि देना। अब देखिए दोस्तों कितना आसान है यार, कितना आसान है। प्रतिपुष्टि फीडबैक की बात चल रही है यहाँ पे, और फीडबैक का जो ऑप्शन है ये हम पहली बार यहाँ पे देख रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपको फीडबैक दिखाई दे तो इसका मतलब क्या है, वो किस तरह का इवेल्युएशन है, निर्माणात्मक मूल्यांकन है, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन है, ठीक है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है ना तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करो यार, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करता हूँ और बहुत अच्छी नॉलेज लेके आता हूँ आप सभी के लिए। तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और आप सभी हमें कमेंट बॉक्स के जरिए बताइए कि आपको हमारी ये वीडियो किस तरह की लग रही है, क्या हमें आगे इस तरह की वीडियोज बनानी चाहिए सभी टॉपिक के ऊपर। और दोस्तों इस वीडियो को आप शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ठीक है। और आगे हम देखते हैं कि आगे जो ऑप्शन है, आगे ऑप्शन दिया था इन्होंने 5, विद्यार्थियों के चिंतन को बढ़ावा देना। ये बात भी हमने पढ़ी है कि जो विद्यार्थी है उनके अंदर वो अधिगम में त्वरण लाना, इस तरह का हमने कुछ पढ़ा था। तो उसके अंदर क्या होता है कि चिंतन यानी कि उनके सोचने की जो शक्ति है उसको बढ़ावा देते हैं हम निर्माणात्मक मूल्यांकन के जरिए, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों बिल्कुल आसानी से आप आंसर दे सकते हैं। और आगे देखते हैं दोस्तों आगे ये क्वेश्चन किस तरह से रिपीट हुआ है, आगे काफ़ी रिपीट हुआ है दोस्तों, ये दिसंबर 2019 में भी रिपीट हुआ है। अभी हम दिसंबर का क्वेश्चन पेपर देखते हैं, इससे पहले ये देखिए ये 26 जून 2019 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है और इसके अंदर ये देखिए निम्नलिखित में से परीक्षण के किस प्रकार में से एक विद्यार्थी के दूसरे विद्यार्थी के कार्य निष्पादन के साथ परस्पर तुलना की जाती है। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि कंपटीशन किया जाता है बच्चों के अंदर, ठीक है भाई, के देखते हैं किसके कितने ज़्यादा मार्क्स आएंगे, कंपटीशन किया जाता है। तो उस दौरान किस तरह का मूल्यांकन होता है वो हमें बताना है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, आंसर इसका डी है, मानव संदर्भित परीक्षण इसे कहते हैं। अब इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे दोस्तों, ये मैं आपको दिखा देता हूँ इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। इसको इंग्लिश में दोस्तों नॉन रेफरेंस इवेल्युएशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये देखिए 7 पे जो है ना, ये इसे कहते हैं नॉन रेफरेंस इवेल्युएशन कहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बार बार कहता हूँ कि हमें इंग्लिश हिंदी में पता होना चाहिए, हमारे अंदर किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। और अगर आप नोट्स लेते हैं तो इसके अंदर हमने इंग्लिश हिंदी में दिया हुआ, देखिए जैसे सुमेटिव इवेल्युएशन को हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये दोनों चीज़ हमने यहाँ पे दी हुई है। बिल्कुल आसान भाषा में हमने नोट्स बनाए हुए हैं दोस्तों। और अगर आप चाहें तो हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसके अंदर दोस्तों हम आपको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करवा रहे हैं। जिस भी दोस्तों को हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना है जल्दी से जल्दी हमें व्हाट्सअप नंबर मैसेज कीजिए। और आगे हम देखते हैं दोस्तों यही क्वेश्चन किस तरह से रिपीट हुआ है। आगे ये देखिए, ये आगे हमारा 2 दिसंबर 2019 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है दोस्तों, ठीक है। और इसके अंदर ये देखिए सभी जो मूल्यांकन होते हैं वो सभी इन्होंने पूछ लिए। ये देखिए निर्माणात्मक मूल्यांकन आगे आ गया, मानव संदर्भित मूल्यांकन जो अभी हम करके आए हैं, ठीक है, ये सभी मूल्यांकन यहाँ पे पूछ लिए हैं। और अब हमें क्या करना है, अब हमें मैच करना है। अब देखिए मैच इन्होंने आंसर ए दिया है, ए में देखते हैं हम यहाँ पे। अब ये देखिए दोस्तों ये सभी के सभी मूल्यांकन हम पीछे करके आए हैं, ठीक है। तो वही चीजें हैं इसके अंदर, आप करके देखना आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन। और
दोस्तों ये क्वेश्चन आप करके देखना, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, और आगे मैं और भी दिखाता हूँ यही क्वेश्चन किस तरह से रिपीट हुआ है हमारा। ठीक है, अब ये देखिए दोस्तों, ये 3 दिसंबर 2019 इवनिंग शिफ्ट का पेपर है और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। निम्नलिखित में से किस आंकलन प्रणाली में अंतर्भूत प्रेरणा को बढ़ाने हेतु इष्टतम संभावना है? ठीक है, और इसका जो आंसर है दोस्तों, इसका आंसर है ए। ए का क्या है? रचनात्मक आंकलन आधारित मूल्यांकन। रचनात्मक कौन सा है दोस्तों? रचनात्मक है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको पता होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश में दोनों नाम पता होना चाहिए, ये वो है। और आगे हम देखते हैं दोस्तों आगे किस तरह से रिपीट हुआ है, ये देखिए। अब आगे देखते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन किस तरह से रिपीट हुआ है, ये देखिए। ये 4 दिसंबर 2019 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है, और इसका आंसर देखिए दोस्तों, आंसर नंबर 2 सुमेटिव इवेल्युएशन यहाँ पे दिया हुआ है। ये आप पढ़ना, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों यही क्वेश्चन किस तरह से रिपीट हुआ है, ये देखिए 5 दिसंबर 2019 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। अब ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29, एक महाविद्यालय का शिक्षक अभिप्रेरक प्रतिभागी की गति को बढ़ाने देने के लिए प्रश्न पहली सत्र को अपनाता है, यह मूल्यांकन के किस प्रकार के रूप में लिया जाएगा? अब ये देखिए आंसर नंबर 3 निर्माणात्मक मूल्यांकन। अब आप खुद बताइए दोस्तों कितना आसान है, कितना आसान है, और कितना कितने डिट्टो कॉपी क्वेश्चन रिपीट होते हैं यूजीसी नेट के अंदर, आप खुद देख लीजिए। मैं आपको कोई हवा हवाई बात नहीं कर रहा, कोई ऐसे नहीं बता रहा, जो कुछ है आपके प्रूफ के सामने है, आपकी आंखों के सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ। और हमारे जो पढ़ाने का तरीका है दोस्तों, यही हमारा तरीका है। आप जो हमारी ओल्ड वीडियोज है वो देखना, हमने रिसर्च के अंदर भी बताया हुआ है कि कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक रिपीट हुए हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट जरूर करना। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल निमिज नेट प्रो सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाना ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों अगर आपको जून 2020 एग्ज़ाम के अंदर नेट और जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों हम आपको बहुत अच्छे से स्टडी करवा रहे हैं, इसमें आपको सभी 10 यूनिट के स्टडी नोट्स मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगे और टॉपिक वाइज क्वेश्चन अलग किए हुए मिलेंगे। जैसे कि आज तक जो भी रिसर्च के क्वेश्चन आ चुके हैं वो अलग है, टीचिंग के अलग है, सभी यूनिट के अलग अलग क्वेश्चन मिलेंगे। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए और आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों।